हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई एम ऑडिबल और विजिबल, एक बार मुझे फटाफट जल्दी से सभी स्टूडेंट बता दीजिए। ओके, फाइन फाइन फाइन। सो गाइस, आज का टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है, जिसके अंदर हम बहुत डिटेल में चीजों को कवर करेंगे। दैट इज द डेजर्ट लैंडफॉर्म। आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से डायरेक्ट बनते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको आज तक यही नहीं पता लगा कि व्हाट इज यार डांस, व्हाट इज मीसा, व्हाट इज बर्ट, व्हाट इज जोगेन, वो क्या होता है, बर्चन्स क्या होती हैं, सैंड ड्यून्स क्या होती हैं। उसके बारे में आज के सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं बहुत डिटेल के साथ। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारे डेजर्ट हैं वहां पर इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज पलायास क्या होते हैं हमारे डेजर्ट में, बजाडास क्या होते हैं, उन सारे कंसेप्ट को आज के सेशन के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है गाइस? बेसिकली जो डेजर्ट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके की लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, मशरूम रॉक मिलती है आपको, बर्चन्स मिलते हैं। इन सब का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, डिफ्लेशन क्या है, एट्रिशन क्या है, एबर्शन क्या है, उनके बारे में आज के सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। अगर मैं बात करूं अराउंड 60 से 70 मिनट्स के अंदर मैं इस सेशन को डिटेल में कवर कर दूंगा और आपको बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्लैरिटी को अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो गाइस, ज्यादा डिले नहीं करते, फटाफट अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे द डेजर्ट लैंडफॉर्म्स, दैट मींस द एलियन लैंडफॉर्म्स। अब आप बोलोगे सर एलियन मतलब क्या होता है? बेसिकली एक स्पेनिश वर्ड है, उससे हम इसके बारे में मैं आगे एक एक चीजों को आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो विदाउट एनी डिले अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक, आई हैव अ टीचिंग, ठीक है, आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 ईयर्स, आई टॉट एंड मेंटर मोर देन 30,000 ऑफ ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड लैक्स ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट। वहीं पर गाइस बात करें अनअकैडमी, लास्ट ईयर 333 सिलेक्शन दिए, दैट मींस एवरी 1/3 स्टूडेंट अनअकैडमी का है। रीजन है क्वालिटी एजुकेशन, रीजन है कंप्लीट कवरेज प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल इंटरव्यू तक की आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट व्हेन यू यूज द कोड कैपिटल AM10 तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, यहां पर मेरी मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। सर कितना मिलेगा डिस्काउंट? अभी आपको 50% डिस्काउंट है, लिमिटेड टाइम पीरियड तक है, सिर्फ 15th of July तक के लिए आपके लिए ऑफर है, जिसके बाद आपका प्राइस हाइक हो जाएगा। अभी आपका जो 75,000 का सब्सक्रिप्शन है, आप जैसे ही AM10 कोड यूज करते हो वो सब्सक्रिप्शन आपको 48,000 में मिल रहा है। और इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, गो फॉर 2 ईयर और 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए, जिसके अंदर कंप्लीट कवरेज मिलने वाली है प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल इंटरव्यू तक के लिए। वहीं पर प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस का रहना खाना सब अनअकैडमी की तरफ से, मेंस क्लियर तो इंटरव्यू, इंटरव्यू क्लियर और आपको तो पूरी अमाउंट रिफंड कर दी जाएगी अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो इस सिंपल से कोड को लगा के। और याद रखना गाइस, कोड लगाते वक्त ये ध्यान रखिए कि आपको मेंटरशिप गाइडेंस मिल पाएगी या नहीं। वहीं पर एनुअल प्राइस हाइक के बारे में बात करें, आपको पता है विद इन 1 वीक और बहुत ही जल्दी 5-7 डेज के अंदर आपका प्राइस हाइक होने वाला है, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप 50% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। वहीं पर हिंदी मीडियम के लिए बैचेस हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए आरंभ बैच है, और गाइस आज से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मेरा इंडियन ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट हुआ है। टुडे आई एम जस्ट गिविंग एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया और कल से बिल्कुल डिटेल के साथ स्टार्ट होगा। तो मॉर्निंग में 10 AM मेरा इंडियन ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर हम कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी करेंगे अबाउट 50 आवर्स के अंदर। 25 लेक्चर्स है, जिसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल के साथ, मैप्स के साथ, इमेजेस के साथ पूरी कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और सिर्फ आपको यहां पर AM10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेना है, और आप रेगुलर प्लस सब्सक्रिप्शन लेके आप अनअकैडमी की ऐप पर 10 AM मेरा इंडियन ज्योग्राफी का बैच ज्वाइन कर सकते हो। और वहीं पर जो हमारी संकल्प क्लास थी, मेंटरशिप प्रोग्राम, अब उसकी टाइमिंग कल से 12:30 हो चुकी है, 12:30 PM। तो जो संकल्प क्लास है उसको 12:30 PM पर करेंगे, जो MCQ क्वेश्चन की क्लास है। आरंभ बैच आपका स्टार्ट है, ऑप्शनल के सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोबैट, एग्रीकल्चर, सोशोलॉजी, मैथ, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक ही जगह मिलेगा, सिर्फ आपको इस कोड के साथ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो हम आते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक पर, जल्दी से सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर जाइए, फटाफट जल्दी से, कम ऑन गाइस फास्ट, जल्दी से सभी स्टूडेंट एक बार ज्वाइन कर लीजिए सेशन के अंदर, कम ऑन फास्ट। अगर हम बात करें आज के सेशन के बारे में,
सो गाइज, आज हम बात करेंगे डेजर्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में। मतलब हम जैसे जैसे चीजों को पढ़ते जा रहे हैं, हम सभी एरिया के लैंडफॉर्म्स को कवर करते जा रहे हैं। इससे पहली क्लास के बारे में बात करें, हमने तब लैंडफॉर्म्स को कवर किया था, और आने वाली जो दो तीन क्लासेस हैं उसमें हम लैंडफॉर्म्स को कवर करेंगे कि अलग अलग एरियाज में कौन कौन से लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। आज हम बात करेंगे डेजर्ट्स के अंदर कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, फिर हम बात करेंगे कोस्टल एरियाज पर कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के बारे में, जो ग्लेशियर है वहां पर कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। हमने कास्ट टोपोग्राफी के अंदर जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं उनको बहुत डिटेल में कवर किया है कि कास्ट टोपोग्राफी दैट मींस जहां पर लाइमस्टोन प्रेजेंट होता है वहां पर किस तरीके की टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होता है। तो विदाउट एनी डिले सबसे पहले हम बात करते हैं डेजर्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में। गाइस, डेजर्ट लैंडफॉर्म को एलियन लैंडफॉर्म्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस? एलियन लैंडफॉर्म। अब आपके माइंड में आएगा, सर ये एलियन लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या है? एलियन एक स्पेनिश वर्ड है, एलियन इज अ स्पेनिश वर्ड, और वहां पर जो विंड, जो स्पेन में जो आपकी गॉड विंड है उसको एलियन बोलते हैं, तो उसी से नाम बेसिकली एलियन लैंडफॉर्म आया है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं गाइज, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में वो एरियाज जहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है उस एरियाज को हम डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर सिर्फ रेत हो, डेजर्ट का मतलब होता है वो एरिया जो कि एरिड और सेमी एरिड है, दैट मींस वो एरिया जो शुष्क है जहां पर रेनफॉल कम होती है, चाहे वो ठंडे हो। पोलर एरियाज पर भी डेजर्ट होते हैं, वहां पर पोलर एरियाज वो रीजन जहां पर रेनफॉल कम हो रही है। हम अगर लद्दाख की बात करें, लद्दाख भी एक डेजर्ट है, बट इट इज एन कोल्ड डेजर्ट। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है वो वहां पर रेनफॉल नहीं होने दे रहा है, इट एक्ट एज अ रेन शेडो एरिया। इसी वजह से वो एरिया जहां पर रेनफॉल कम होती है हम उनको डेजर्ट्स बोलते हैं। दैट मींस एरिड और सेमी एरिड एरियाज रेनफॉल कम होने के कारण वो डेजर्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं, चाहे वो कोल्ड हो चाहे वो हॉट हो। तो आज के सेशन के अंदर हम आपके डेजर्ट्स के अंदर जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? तो गाइज, अगर हम बात करें, हमारे जितने भी डेजर्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं 50 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पर। अब आपका आंसर होगा, सर वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे डेजर्ट 15 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पर क्यों देखने को मिल रहे हैं? अगर आप प्रेशर बेल्ट को पढ़ोगे तो आपको पता है प्रेशर बेल्ट में यहां पर कन्वेक्शन करंट राइज करता है इक्वेटर पर, और वहीं पर जो 30 डिग्री है वहां पर जाकर ये डिसेंड करता है। तो जहां पर आपका कन्वेक्शन करंट राइज कर रहा था तो यहां पर कंडेंसेशन होगा, यहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी यहां पर अच्छी खासी, वहीं पर जब यहां पर डिसेंड करेगा तो यहां पर रेनफॉल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एयर सबसाइड कर रही है, यहां पर एयर राइज कर रही है, जहां पर एयर राइज करेगी वहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, जब ऊपर जाएगी ट्रोपोपॉज पर, और जहां पर नीचे सबसाइड करेगी वो एरिया ड्राई रहेगा। तो वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट्स हैं वो आपको अराउंड 15 to 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में देखने को मिलेंगे। रीजन है क्योंकि एयर वहां पर सबसाइड कर रही है। क्लियर है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आगे की तरफ बात करता हूं। वर्ल्ड का टोटल 1/5 जो लैंड एरिया है वो डेजर्ट है, आप सभी को लोगों को पता होगा। वर्ल्ड का टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 20% ज्योग्राफिकल एरिया आपका डेजर्ट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और आज हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से सारे डेजर्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करना। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स के बारे में, कि हमारे जो डेजर्ट्स हैं उसमें कितने टाइप्स के अलग अलग है। तो सबसे पहले गाइज, अगर आपने सुना होगा तो मैं तीन चार चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डेजर्ट का मतलब वो एरिया जो आपका शुष्क है, जहां पर रेनफॉल कम हो रही है। बट याद रखना, डेजर्ट सिर्फ ये नहीं होता। अगर आपका ऐसा एरिया जहां पर रॉकी स्ट्रक्चर है वो भी डेजर्ट है, बट वहां पर रेनफॉल कम होनी चाहिए। ऐसा एरिया जहां पर आपके, एक तरीके से मैं बात करूं, बड़े बड़े रॉक्स हैं, बट वो एरिया ड्राई एरिया के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहली टर्म आती है हमाडा। हमाडा गाइस, हमाडा क्या है? हमाडा का मतलब है एक ऐसा एरिया जहां पर रॉक्स प्रेजेंट है बट वो एक ड्राई एरिया है। समझने की कोशिश करना, हमाडा एक ऐसा एरिया है जहां पर विंड ने यहां की जितनी भी डस्ट और छोटे सैंड पार्टिकल्स है वो सब कुछ आपके वॉश अवे कर दिए हैं, उनको अपने साथ उड़ा के ले गई है। समझने की कोशिश करना, बट वहां पर क्या मिली है आपको? वहां पर चट्टाने देखने को मिलेंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? हमाडा बोलते हैं। दैट मीन्स वो एक रॉकी डेजर्ट है। समझ में आ गया? दूसरा है रेग और स्टोनी डेजर्ट। दूसरा क्या है? रेग और स्टोनी डेजर्ट, दैट मींस वो पार्ट डेजर्ट का जहां पर आपके स्टोन की फॉर्म में आपका ड्राई एरिया प्रेजेंट है,
उसको हम बोलते हैं रेड और स्टोनी डेजर्ट। और फिर आता है अर्ग। अर्ग मतलब ऐसा पार्ट जहां पर सैंड प्रेजेंट है। हम अपने माइंड में सोचते हैं कि जहां पर सैंड प्रेजेंट है वो आपका सिर्फ डेजर्ट है। नहीं, डेजर्ट वो भी होता है जहां पर आपका रॉकी स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स और चट्टाने हैं, वो आपका हमाड़ा बोला जाएगा डेजर्ट के अंदर। और जहां पर छोटे छोटे स्टोन हैं, पथरीले रॉक्स हैं, वहां पर उस जहां पर पेबल्स हैं, जहां पर ग्रेवल्स हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रेग बोलेंगे और स्टोनी डेजर्ट बोलेंगे। और जहां पर रेत प्रेजेंट है उसको अर्ग बोलेंगे। और याद रखना, जो हमारा सहारा डेजर्ट है वो इन्हीं तीनों चार पार्ट में डिवाइड है। अगर आप सहारा डेजर्ट को देखोगे ना, तो सहारा डेजर्ट का एक पार्ट तो आपका स्टोनी है, जिसमें आपके रेग बोला जाएगा, एक पार्ट हमाडा है जिसमें बड़ी बड़ी चट्टाने होंगी, और एक पार्ट आपका सैंड है। तो ये तीनों पार्ट डेजर्ट का ही होते हैं, जिसके अंदर अर्ग, हमाडा और आपका स्टोनी पार्ट जिसको रेग बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, व्हाट इज अर्ग, व्हाट इज हमाडा एंड व्हाट इज रेग, ये क्या है? जहां पर स्टोन प्रेजेंट हो, पत्थरे प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं रेग। जहां पर आपकी बड़ी बड़ी चट्टाने, रॉक प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हमाडा। और जहां पर डेजर्ट प्रेजेंट हो, सैंड प्रेजेंट हो, उसको अर्ग बोलते हैं। समझ में आ गया? अब नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट। तो आप यहां पर पढ़ भी सकते हो, जहां पर आपको रेग मतलब स्टोनी एंगुलर पेबल्स पत्थर मिलेंगे, ग्रेवल्स मिलेंगे, उसको रेग बोलेंगे। और जहां पर सैंडी पार्ट मिलेगा उसको अर्ग बोलेंगे। और याद रखना, जहां पर लार्ज स्ट्रेच रॉक्स मिलेंगी उसको हम हमाडा बोलेंगे। जहां पर रॉक मिल रही है वो हमाडा है, जहां पर स्टोन और पेबल्स और ग्रेवल्स मिल रहे हैं उसको हम बोलेंगे रेग, और जहां पर सैंड मिल रहा है उस पार्ट को हम बोलेंगे अर्ग। ये डेजर्ट के अंदर ही मिलेंगे जहां पर ड्राई कंडीशन है, ये चीज याद रखना। अब आते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी वेदरिंग किस तरीके से होती है। देखिए गाइस, जैसे अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा एक एक की कौन कौन सी चीजें किस तरीके से होती है। देखिए गाइस, आपको पता है हमारी जो वेदरिंग होती है, अगर हम बात करें हमारे जो एरियाज होते हैं वहां पर वेदरिंग होती है, तो उस वेदरिंग होने के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। कहीं पर रेनफॉल हो रही है जिसके कारण जो हमारी वाटर है वो वेदरिंग का प्रोसेस कर रहा है। अगर आप कहीं पर चले जाओगे वहां पर केमिकल वेदरिंग होती है, कहीं पर बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। बट अगर मैं डेजर्ट की बात करूं तो डेजर्ट में रेनफॉल कम होती है। समझने की कोशिश करना, डेजर्ट में रेनफॉल कम होती है जिसके कारण यहाँ पर जो वेदरिंग का प्रोसेस है यहाँ पर मैकेनिकल वेदरिंग होगी। और मैकेनिकल वेदरिंग कौन करेगा? विंड करेगी। और विंड के साथ जो छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स हैं वो आपके मैकेनिकल वेदरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो वेदरिंग होगा, जो रॉक का ब्रेकेज होगा, जो रॉक टूटेंगी, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होंगी और अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनेंगे, वो विंड के कारण बनेंगे। क्योंकि रेनफॉल तो हो ही नहीं रही है, जब रेनफॉल नहीं होगी तो चीजें आपको पता है वहां पर होगा नहीं। समझ में आ गया? हाँ, मैंने बोला ना, कोल्ड डेजर्ट भी होता है। गोबी डेजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। गोबी एक कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है। बट मैंने यहां पर जो अर्ग, हमाडा और ये एग्जाम्पल दिए, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉट डेजर्ट। सैंड को छोड़ के आपको अर्ग और जो स्टोनी पार्ट है ये कोल्ड डेजर्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। आप लद्दाख चले जाइए, वहां पर भी देखने को मिलेंगे, सिर्फ सैंड ही तो नहीं मिलेगा वहां पर। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी, क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारा सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्लेशन के बारे में। ये डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन एक तरीके से आपका वेदरिंग का प्रोसेस है जो डेजर्ट में होता है, इरोजन का प्रोसेस है। अगर हम बात करें डिफ्लेशन में, देखिए गाइस, आपको पता है डेजर्ट में वेजिटेशन तो होता नहीं है। अब वेजिटेशन नहीं होगा तो जो चट्टाने हैं, जो रॉक हैं, जो सैंड है, वो किसी के साथ बाइंड तो होगा नहीं। तो क्या होता है, आपको पता है वहां पर विंड मूव करती है, और जब वहां पर विंड मूव करेगी तो उसके साथ अलग अलग साइज के छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स होंगे, आपको पता है लूजन मटेरियल होगा। अब क्या होगी, जो फाइन डस्ट पार्टिकल है उसको अपने साथ, या फाइन सैंड का पार्टिकल है उसको क्या करेगी, विंड अपने साथ लेके चलेगी। समझने की कोशिश करना, विंड उसको अपने साथ लेके चलेगी। और उसके बाद जब विंड लेके चलेगी ना, तो यहां पर मान के चलिए मेरे पास कोई एरिया है। समझने की कोशिश करना, अब यहां पर विंड मूव कर रही है तो विंड क्या करेगी, उसके साथ छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स होंगे, तो इस एरिया पर आकर बार बार हिट करेगी, इस एरिया पर आकर बार बार हिट करेगी, और हिट करके इसको इरोड करेगी, ठीक
ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन क्या है, लिफ्टिंग एंड ब्लोइंग अवे ऑफ लूज मैटीरियल फ्रॉम द ग्राउंड। समझने की कोशिश करना, जो लूज मैटीरियल है ग्राउंड का उसको उठाएगी और उसको अपने साथ लेके चलेगी और उसके बाद दूसरी जगह पर जाकर हिट करेगी जहां पर इरोजन होगा। तो ब्लोइंग कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है कि विंड की स्पीड कितनी है, और उसी के साथ साथ आपको पता है जो छोटे पार्टिकल हैं उनको तो इरोड कर नहीं पाएगी। समझने की कोशिश करना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हीं को तो इरोड कर पाएगी, बड़े पार्टिकल्स को तो इरोड नहीं कर पाएगी। तो विंड क्या करेगी, जो उसकी ब्लोइंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है कि साइज कितना है, जो जिसको वो अपने साथ उठा के लेके जा रही है, जिन सैंड पार्टिकल्स को उनका साइज कितना है। जो फाइनाइट डस्ट पार्टिकल्स है उनको तो वो उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, पर जो भारी पत्थर है उनको तो नहीं ले जा पाएगी, और उन फाइनाइट डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ उठा के ब्लो ऑफ करके बहुत आपके हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक उनको रिमूव करती हुई उठाती हुई ले जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, किसी दूसरी जगह पर या तो डिपॉजिट कर देगी या क्या करेगी, वहां पर किसी एरिया को मान के चलिए उसको इरोड कर देगी। यहां पर ये पार्ट है हमारा, तो यहां पर बार बार हिट करके इसको लोवरिंग डाउन कर देगी इस तरीके से, और यहां पर क्या बना देगी, डिफ्लेशन होलोज बना देगी। क्या बना देगी, डिफ्लेशन होलोज बना देगी। ये चीज आपको याद रखनी है। समझ में आ गया, कितने स्टूडेंट को चीजें समझ में आई, कितने स्टूडेंट को चीजें समझ में आई, समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। लिफ्टिंग करना और उसको ब्लो करके लेके जाना, अपने साथ उड़ा के लेके जाना, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जब लिफ्ट और ब्लो करेगी तो मान के चलिए मेरे पास एक एरिया है, यहां पर ये सैंड को उठाएगी, यहां विंड अपने साथ उठाएगी और इसको ब्लो करेगी, तो यहां से इरोड करता चला जाएगा, एक डिप्रेशन क्रिएट करता चला जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, इस तरीके से एक डिफ्लेशन होलो बन जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, डिफ्लेशन होलो बन जाएगा। याद रखना, क्या बन जाएगा, डिफ्लेशन होलो। अगर मैं आपको बात करूं, आपने ओएसिस देखे हैं, ओएसिस आप अगर डेजर्ट में जाओगे तो डेजर्ट में क्या बनते हैं, ओएसिस होते हैं। ओएसिस मतलब जहां पर पानी प्रेजेंट होता है, और वहीं पर लोग जनरली रहते हैं ओएसिस के पास। डेजर्ट एरिया में जनरली लोग कहां पर रहते हैं, ओएसिस के पास रहते हैं। ये ओएसिस क्या है, वहां पर एक ऐसा एरिया है जब विंड ब्लो करेगी तो ये क्या करेगा, ऊपर का जो एरिया है उसको इरोड कर देगी, और उस लेवल तक इरोड कर देगी जहां तक ग्राउंड वाटर है ना वहां पर पहुंच जाए, और उसके बाद वहां पर ग्राउंड वाटर जो है उस लेवल तक इरोड करके नीचे का जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर आ जाएगा और वहां पर ओएसिस क्रिएट हो जाएंगे। और इसी ओएसिस के चारों तरफ आपने आपने देखा होगा डेट पाम्स, पाम के ट्रीज आपने लगे हुए देखे होंगे। कितने स्टूडेंट ने देखा है यार, क्या कर रहे हो आप, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्या चीज क्लियर नहीं आ रही है, क्या समझाऊं मैं आपको। आप लोग क्या करते हो, क्लास को तो करते नहीं हो पहले, फिर बाद में आते हो और उसके बाद अननेसेसरी चीजों को करना स्टार्ट कर देते हो। कितने स्टूडेंट है, पहले एक चीज बताइए, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, डिफ्लेशन में कोई डाउट है, डिफ्लेशन में कोई डाउट है, डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, डिफ्लेशन में समझने की कोशिश करना, डिफ्लेशन में क्या हो रहा है कि हमारी जो विंड है वो वहां पर जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, जो फाइनर पार्टिकल्स हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, उनको अपने साथ उठाती है और उठा के आगे की तरफ मूव करती है। समझ में आ गया। और विंड की कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी के पार्टिकल्स को अपने साथ उठाएगी, वो उसकी साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, और दूसरा डिपेंड करता है विंड की स्पीड कितनी है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है विंड उसको अपने साथ उठा के बहुत डिस्टेंस तक ट्रेवल करके लेके जाती है। समझ में आ गया। और उसके बाद या तो उन पार्टिकल्स को कहीं जाके डिपोजिट कर देगी, या क्या करेगी, जब ये विंड इसके ऊपर से जाएगी, यहां से ऊपर से जा रही है, तो ये इरोड करती हुई जाएगी, और इरोड कर करके इसको एक डिप्रेशन क्रिएट कर देगी इस तरीके से, और डिप्रेशन उस लेवल तक कर देगी जहां पर एक पॉइंट के बाद आके आपका जो ग्राउंड वाटर है वहां तक आपकी पहुंच जाए, और इसको बोलते हैं डिफ्लेशन होलोज भी। और अगर आप देखोगे कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, मान के चलिए यहां पर ये रॉक है, चट्टान है, तो आपने देखा होगा यहां पर बार बार विंड हिट करती रहेगी, हिट करती रहेगी, हिट करती रहेगी, तो इसको इरोड करती रहेगी इस तरीके से, और एक टाइम क्या आएगा, यहां पर एक केव लाइक स्ट्रक्चर बना देगी इस तरीके से, और यहां पर एक होलो क्रिएट कर देगी, और इसी को
बोलते हैं डिफ्लेशन होलो, इसको क्या बोलते हैं डिफ्लेशन होलो। तो समझ में आ गया डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन समझ में आ गया, क्लियर है, डिफ्लेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं एबर्शन क्या होता है, एब्रेशन जिसको हम बोलते हैं, एब्रेशन क्या होता है। देखिए गाइस एब्रेशन में क्या होता है, जैसे विंड मूव कर रही है, विंड मूव उसमें भी कर रही थी डिफ्लेशन में, उसमें सैंड के पार्टिकल्स थे, बट एब्रेशन में क्या करता है, एब्रेशन में है ना विंड क्या करती है, जो रॉक है, अब यहां पर ये रॉक है तो इस रॉक से टकराएगी और इस रॉक को टकरा के इस रॉक को इरोड करेगी। समझने की कोशिश करना, जब विंड मूव कर रही है तो विंड के अंदर पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, और ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ये क्या करेंगे, जो रॉक का सरफेस है उसके वो पॉलिश करेंगे, उसको पॉलिश के साथ साथ उसको स्क्रैच करेंगे और उसको ब्रेक करेंगे, और जिसके कारण अलग अलग लैंडफॉर्म का क्रिएशन होगा उसको एब्रेशन बोलते हैं। तो एब्रेशन क्या है, एब्रेशन में सैंड ब्लास्टिंग होती है। अब आप बोलोगे सर सैंड ब्लास्टिंग क्या होती है, सैंड जो है वो रॉक के जाकर हिट कर रहे हैं, और जब रॉक पे जाके हिट करेंगे तो उसको साइड से इरोड करेंगे, उसको कहीं पर पॉलिश करेंगे, उसके ऊपर कहीं पर स्क्रैच करेंगे, और जिसके कारण आपका अलग टाइप से लैंडफॉर्म का क्रिएशन होगा। तो सैंड ब्लास्टिंग रॉक सरफेस, जो विंड है वो क्या करेगी, जिसके अंदर सैंड पार्टिकल प्रेजेंट है, जब वो रॉक के ऊपर जाकर हिट करेगी, उसके ऊपर ब्लास्ट करेगी, जिसके कारण रॉक का सरफेस स्क्रैच होगा, उसका सरफेस पॉलिश होगा और वॉन अवे होगा, दैट मींस टूट के गिर पड़ेगा। और एब्रेशन मोस्ट इफेक्टिव कहां पर है, बेस ऑफ द रॉक पर, क्योंकि जब एब्रेशन होगा, मान के चलिए मेरे पास यहां पर ये चट्टान है, ये चट्टान है, तो आपको पता है विंड मूव कर रही है, तो विंड यहां पर भी मूव करेगी, विंड यहां पर भी मूव करेगी, बट विंड के साथ उसकी कैपेसिटी जो है सैंड के पार्टिकल्स को, वो इतने ऊपर उनको उठा के ब्लो नहीं कर सकती, तो विंड सरफेस पर ब्लो करती है सैंड पार्टिकल्स के साथ, ऊपर भी ब्लो कर रही है बट ऊपर उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है उस सैंड पार्टिकल्स को अपने साथ ब्लो करवा सके, तो नीचे की तरफ ब्लो कर करके जो रॉक का बेस वाला पार्ट है उसको ज्यादा इरेट करती है compared to the upper part। तो यही बात तो ये बोल रहे हैं कि जो रॉक है ना, एबर्शन है, जो एब्रेशन जो बोलते हैं, एब्रेशन में क्या होता है, जो रॉक का बेस है वहां पर ज्यादा आपके विंड के पार्टिकल्स हिट करेंगे, सैंड ब्लास्टिंग होगी, जिसके कारण आपका जो बेस है वहां पर इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अभी आपके सामने मशरूम रॉक पढ़ाऊंगा, उसके बाद होता है एट्रीशन। एट्रीशन क्या होता है ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है, यहां से भी चीजें बन सकती हैं। एट्रीशन में गाइस मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में, तो मान के चलिए यहां पर एक पार्टिकल है, ये विंड के साथ मूव कर रहा है, ये इतने बड़े पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, अब विंड मूव कर रही है, तो विंड के साथ साथ आपस में टकरा के जो आपके सैंड के पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं, वो ब्रेक होके इरोड होंगे, उनका इरोजन होगा, और उसी को बोलते हैं एट्रीशन। व्हेन द विंड बॉर्न पार्टिकल्स, दैट मींस वो पार्टिकल्स जो विंड के साथ हैं और वो एक दूसरे के साथ रोल करते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे, तो वो आपस में टकरा के वियरिंग डाउन होंगे, टूटेंगे, और हैंस देयर साइज आर ग्रेटली रिड्यूस, उनका साइज छोटा होगा, एंड ग्रेन्स आर राउंडेड इनटू द मिलेट सीड सैंड, और उनके जो ग्रेन्स हैं वो राउंडेड फॉर्म में आ जाएंगे इस तरीके से, और उसको बोलते हैं एट्रीशन। और एट्रीशन भी क्या कर रही है, एक तरीके से चीजों को इरोड कर रही है। कितने स्टूडेंट को चीजें समझ में आ गया? सर हाउ एब्रेशन बाय वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम द एब्रेशन बाय विंड? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। याद कीजिए मैंने क्या बताया था, याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने जब आपको फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स पढ़ाए थे तो मैंने क्या बताया था, रनिंग वाटर मूव कर रहा है, उस रनिंग वाटर में क्या है, सेडिमेंट्स हैं, अब वो सेडिमेंट्स भी वाटर के साथ मूव कर रहे हैं, अब वाटर के साथ सेडिमेंट्स मूव कर रहे हैं तो वो कभी नीचे की तरफ, जो हमारा रिवर है उसमें क्या करेंगे, वर्टिकल इरोजन करेंगे नीचे की तरफ, और साइडवर्ड इरोजन करेंगे, तो वो उसको साइड से भी इरोड करेंगे, नीचे से भी इरोड करेंगे। अब आपकी रिवर मूव कर रही है और उसके साथ वाटर मूव कर रहा है, उस वाटर के साथ सेडिमेंट है, वो सेडिमेंट कॉर्नर पर आके हिट करेंगे तो इसको इरोड करेंगे ना, जिसके कारण क्या होता है, हमारा लैटरल इरोजन होता है, साइडवेज इरोजन होता है, हमारी जो रिवर वैलीज हैं वो क्या होगा, वो जब आपकी मैच्योर और ओल्ड स्टेज में पहुंचेंगी तो चौड़ी हो जाती हैं, तो वो क्या है, वो एब्रेशन ही तो है। और यहां पर एब्रेशन में क्या हो रहा है, जब विंड मूव कर रही है तो वो रॉक के ऊपर हिट कर रही है और उसके जो सेडिमेंट है वो रॉक को इरोड कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट को बिल्कुल चीजें समझ में आ गई? स्ट्रेंज समझ में आ गया?
कितने स्टूडेंट को ये चीजें समझ में आ गई, एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, फटाफट जल्दी से बताइए। क्लियर है? आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। सबसे पहले मैं बात करता हूं मशरूम रॉक के बारे में। ये सब चीजें बुक में मिल जाएंगी, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझते रहिए। मशरूम रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। देखिए गाइस क्या होगा, मेरे पास ये रॉक है यहां पर, ठीक है। जो रॉक इस तरीके से मशरूम की फॉर्म ले लेती है उसको बोलते हैं मशरूम रॉक। और ये मशरूम रॉक कहां पर देखने को मिलती है, ये मशरूम रॉक आपको देखने को मिलती है डेजर्ट्स में। इसमें मशरूम रॉक क्यों बोला गया है, क्योंकि ये मशरूम की शेप की होती है। अब क्वेश्चन बनेगा ये कैसे फॉर्म्ड होती है। ये फॉर्म्ड होती है, मान के चलिए मेरे पास यहां पर ये रॉक है, ठीक है। अब क्या होगा, जो मेरा विंड है वो इस तरीके से मूव कर रही है, तो जब विंड मूव करेगी उसमें विंड के पार्टिकल, विंड के साथ सेडिमेंट्स होंगे, सैंड होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो विंड में जो सैंड के पार्टिकल्स है वो नीचे बेस पर ज्यादा होंगे कंपेयर टू जो ऊपर की तरफ विंड मूव कर रही है, क्योंकि जो विंड है वो क्या है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा बाहरी चीजों को ऊपर उठाना नहीं है, तो वो अपने साथ साथ फ्लोर पर तो नीचे की तरफ तो मूव कर सकती है। सैंड के पार्टिकल्स हैं, वो सैंड के पार्टिकल्स यहां पर आकर ब्लास्ट करेंगे, बार बार हिट करेंगे कहां पर, बेस को। और जब बेस को हिट करेंगी विंड नीचे से, तो विंड नीचे वाले पार्ट को इरोड कर पाएगी और ऊपर वाले पार्ट को इरोड नहीं कर पाएगी। और जब नीचे वाला पार्ट इरोड हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट इरोड नहीं होगा, तो ये मशरूम की शेप ले लेगा और इसी को बोलेंगे मशरूम रॉक। इसी को क्या बोलेंगे, मशरूम रॉक। समझ में आ गया, क्लियर है? अब आप बोलोगे सर ये एक चीज बता दीजिए बुक में कैसे लिखा हुआ है। बुक में आप एक बार बुकिश नॉलेज देख लीजिए। फॉर्म्ड बाय द सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट ऑफ विंड, दैट मीन जो विंड के साथ सैंड है जब वो रॉक के ऊपर ब्लास्ट कर रहा है उसके कारण मशरूम रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे, इफेक्ट ऑफ विंड अगेंस्ट एनी प्रोजेक्टिंग रॉक मासेस। कोई रॉक मासेस है, कोई रॉक है, उसके ऊपर सैंड ब्लास्टिंग हो रही है। इट वियर्स डाउन द सॉफ्टर लेयर लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर एज एंड अल्टरनेट बैंड्स ऑफ द सॉफ्टर एंड हार्डर रॉक्स। ठीक है, आपको अगर मैं बात करूं, ये बात की है इसने रॉक पेडेस्टल के बारे में। रॉक पेडेस्टल क्या होता है वो भी बताऊंगा, बट मशरूम रॉक में क्या होता है, मशरूम रॉक में अंडर कटिंग होती है, और अंडर कटिंग होने के बाद नीचे की जो रॉक है वो इरोड हो जाती है और ऊपर की नहीं हो पाती, उसको मशरूम रॉक बोलते हैं। एक चीज बताइए, रॉक पेडेस्टल, रॉक पेडेस्टल में क्या होता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। रॉक पेडेस्टल किस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो इस तरीके से देखने को मिलेगा पेडेस्टल, जैसे आपका पेडेस्टल फैन होता है, मतलब इस तरीके से। ये जो पेडेस्टल, जो हमारा रखा हुआ फैन होता है, जो हम टेबल फैन होता है एक तरीके से, जिसमें नीचे एक लैग टाइप में होता है, उसको पेडेस्टल फैन बोलते हैं। सेम इसी तरीके से आपकी जो रॉक है उसमें इरोजन होता है, पेडेस्टल मतलब जहां पर रॉक सॉफ्टर है वो वाला पार्ट इरोड हो जाएगा, जहां पर हार्डर है वो वाला पार्ट इरोड नहीं होगा। तो जहां पर जब सैंड ब्लास्टिंग होगी तो इसमें हार्डर पार्ट इरोड नहीं होगा और सॉफ्टर पार्ट इरोड हो जाएगा, और इस फॉर्म में वो रॉक बन जाएगी, उसको बोलते हैं पेडेस्टल रॉक। और जब बेस इरोड हो जाएगा तो उसको बोलते हैं मशरूम रॉक। समझ में आ गया, उसको बोलते हैं मशरूम रॉक। क्लियर है? मशरूम रॉक में अंडर कटिंग होगी, और बेसिकली जो पेडेस्टल रॉक है उसमें सॉफ्ट और हार्ड रॉक होगी, तो जो सॉफ्टर रॉक है वो इरोड हो जाएगी, हार्डर नहीं होगी, तो इस तरीके से पेडेस्टल की फॉर्म में रॉक बन जाएगी, इसको बोलते हैं पेडेस्टल रॉक। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। समझ में आया? अब हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग याडांग्स। बहुत सारे स्टूडेंट को आज तक कभी समझ में नहीं आया होगा सर ये याडांग्स क्या है, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये जोगैन समझ में नहीं आया होगा। आज मैं ये दोनों चीजें आपके सामने क्लियर करता हूं, व्हाट इज याडांग्स एंड व्हाट इज जोगैन, ये क्या होता है समझने की कोशिश करना। देखिए गाइस कैसे बनता है, याडांग्स क्या होता है और आपका जोगैन क्या होता है। देखिए गाइस, आपकी जो डेजर्ट एरिया है वहां पर अरेंजमेंट होगा किस चीज का, रॉक का अरेंजमेंट होगा। अगर रॉक का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा, समझने की कोशिश करना, इस तरीके से अगर आपका रॉक का अरेंजमेंट होगा, बहुत अच्छे से समझना, रॉक का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा जैसे मैं अरेंजमेंट बता रहा हूं आपको, अच्छे से एक नेक्स्ट पेज पर ही बताते हैं आपको। देखना जहां पर रॉक का अरेंजमेंट कैसे होगा, जहां पर रॉक का ये है मेरे पास एक रॉक, ठीक है, यहां पर ये है मेरे पास दूसरी रॉक, यहां पर ये है मेरे पास तीसरी रॉक, यहां पर ये है मेरे पास चौथी रॉक,
5 किलो छठी। तो मेरे पास ये क्या है, ये रॉक है ठीक है, और ये कंप्लीट एक रॉक है। बट इस रॉक में क्या है, इसमें अरेंजमेंट है, समझने की कोशिश करना। इस रॉक में क्या है, अरेंजमेंट है। जो मेरे पास ये वाली रॉक है, समझने की कोशिश करना, ये वाली रॉक, ये क्या है, एस वाली मेरे पास सॉफ्ट रॉक है, ये वाली मेरे पास हार्ड रॉक है, ये वाली मेरे पास सॉफ्ट रॉक है, या और ये वाली मेरे पास हार्ड रॉक है, फिर ये वाली मेरे पास सॉफ्ट रॉक है, और ये वाली मेरे पास हार्ड रॉक है, और यहां पर फिर मेरे पास ये वाली हार्ड रॉक है। तो इसमें क्या होगा, जब सॉफ्ट और हार्ड रॉक वर्टिकली अरेंज होंगी, याद रखना, सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक आर वर्टिकली अरेंज। किस तरीके से अरेंज होगी, वर्टिकली, वर्टिकली इस तरीके से। तो जो हमारी विंड जब मूव करेगी ना, विंड जब मूव करेगी, तो ये बीच की जो ये सॉफ्ट रॉक है, बीच की ये सॉफ्ट रॉक है, बीच की जो सॉफ्ट रॉक है, इसको इरोड कर देगी। तो इस तरीके से हमारा एक लैंडफॉर्म बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो बीच का पार्ट है इरोड हो चुका है, सॉफ्ट रॉक वाला, इसका ये बीच का पार्ट है सॉफ्ट रॉक वाला इरोड हो चुका है, ये सॉफ्ट रॉक वाला इरोड हो चुका है, और इस तरीके का जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम बोलते हैं याडांग्स। आप देखिए इस तरीके से, यहां पर ये हार्ड रॉक है, यहां पर ये सॉफ्ट रॉक थी, यहां पर ये हार्ड रॉक है ये वाला, और यहां पर बीच में ये सॉफ्ट रॉक थी, और यहां पर ये हार्ड है ठीक है, ये वाला हिस्सा हार्ड रॉक है। तो बीच की जो सॉफ्ट रॉक है वो इरोड हो चुकी है, हार्ड रॉक इरोड नहीं हुई है। तो आप देख सकते हो ये हार्ड रॉक है, बीच की सॉफ्ट रॉक इरोड हो चुकी है, फिर हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक इरोड हो चुकी है, और इस टाइप का जो आपका लैंडफॉर्म बनता है कहां पर, डेजर्ट में, उसको बोलते हैं याडांग्स ठीक है। क्या बोलते हैं गाइस, याडांग्स, याद रखना। बट पॉइंट टू बी नोटेड, आपकी जो सॉफ्ट और हार्ड रॉक है वो वर्टिकली अरेंज होनी चाहिए। कैसे अरेंज होनी चाहिए, वर्टिकली अरेंज होनी चाहिए। क्लियर है किसको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, व्हाट इज याडांग ठीक है। याडांग्स लुक सिमिलर टू द जोगैन, बट क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब जोगैन में समझ लीजिए क्या होता है, जोगैन में क्या समझ लीजिए क्या होता है, याडांग समझ में आ गया। जोगैन में क्या होता है, ऊपर टॉप में हार्ड रॉक होती है, समझने की कोशिश करना, यहां पर टॉप में यह हार्ड रॉक होती है, उसके नीचे सॉफ्ट रॉक होती है, उसके नीचे सॉफ्ट रॉक होती है, फिर यहां पर ये हार्ड रॉक होती है, फिर नीचे सॉफ्ट रॉक होती है, इस तरीके से, इस तरीके से आपकी हार्ड और सॉफ्ट रॉक अरेंज होती हैं। बट ये अरेंज कैसे हैं, ये हॉरिजॉन्टली हैं, याद रखना। इनका अरेंजमेंट कैसा है, इनका अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल है। वो सॉफ्ट और हार्ड रॉक किस तरीके से अरेंज थी, इस तरीके से, एक यहां पर हार्ड रॉक, फिर बीच में सॉफ्ट रॉक, फिर हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक। तो बीच की जो हार्ड रॉक है वो इरोड हो गई, तो इस तरीके से लैंडफॉर्म बन गए, उसको याडांग्स बोलते हैं। और वहीं पर हार्ड और सॉफ्ट रॉक अगर हॉरिजॉन्टली अरेंज हो, इस तरीके से, ये वाली हार्ड और ये वाली सॉफ्ट, किस तरीके से सर, हॉरिजॉन्टली अरेंज हो, तो क्या होगा, समझना इस पॉइंट को, समझना। अगर ये हॉरिजॉन्टली अरेंज हो क्या होगा, तो गाइस सबसे पहले क्या होगा, ये हार्ड रॉक जब तक ऊपर की इरोड नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता, समझने की कोशिश करना। जब तक ये आपके ऊपर की हार्ड रॉक इरोड होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, समझ में आने की कोशिश करना। तो क्या होता है, यहां पर जो नीचे की सॉफ्ट रॉक है, जो नीचे की सॉफ्ट रॉक है, ये आपकी इरोड होती है, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर हार्ड रॉक है, नीचे की सॉफ्ट रॉक है, तो क्या होता है, ऊपर की जो हार्ड रॉक है वो तो इरोड नहीं होती, बट सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाती है। और उसके साथ साथ क्या होता है, जब ये हार्ड रॉक है, इसकी वेदरिंग होगी, इस हार्ड रॉक की क्या होगी, वेदरिंग होगी, समझने की कोशिश करना। इस हार्ड रॉक की क्या होगी, वेदरिंग होगी, क्या होगी, वेदरिंग होगी। अब वेदरिंग होगी तो ये रॉक बिखरना स्टार्ट हो जाएगी, टूटना स्टार्ट हो जाएगी वेदरिंग से, तो ये वाला हिस्सा इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इरोड होगा, इरोड होगा वेदरिंग के प्रोसेस से। क्योंकि क्या होगा, यहां पर डेजर्ट में दिन और रात में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, दिन में बहुत गर्म है तो रॉक एक्सपेंड करेगी, रात में ठंडा है तो रॉक कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, रॉक ब्रेक होगी। और जब रॉक ब्रेक होगी तो ब्रेक होके ये वाला हिस्सा ब्रेक होके नीचे की तरफ आना स्टार्ट, और उसके बाद यहां पर जो ये वाला पोर्शन है नीचे का सॉफ्ट रॉक, ये भी इरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको इस तरीके से लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे, इस तरीके से ठीक है। और इसको बोलेंगे जोगैन, इसको क्या बोलेंगे, जोगैन। समझ में आ गया, क्लियर, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके से। तो आपका जो जोगैन है और याडांग है, दोनों चीजें सिमिलर हैं, बट डिफरेंस इतना है, उसमें वर्टिकली अरेंजमेंट है, इसमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इसमें
उसमें आपको इस तरीके से फॉर्म्ड होता हुआ दिखेगा क्योंकि बीच की सॉफ्ट रॉक पूरी इरोड हो जाएगी। बट यहां पर क्या होगा, ऊपर की हार्ड रॉक है, वेदरिंग होगी, फिर नीचे की सॉफ्ट रॉक। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ये हार्ड रॉक है और ये सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड रॉक है, तो ये हार्ड रॉक की वेदरिंग होगी, उसके बाद ये सॉफ्ट रॉक को इरोड कर देंगे। इस तरीके से इरोजन होगा, फिर नीचे की तरफ इरोजन, तो इस तरीके से जो लैंडफॉर्म बनेंगे उसको हम बोलते हैं जोगैन। समझ में आ गया? तो जोगैन को किस तरीके से याद रखोगे आप? सर ये बनता है जोगैन जेड से, ये बनता है जोगैन जेड से। तो आपको याद रखना है ये ऊपर का जो जेड का ये वाला पार्ट है ये हार्ड रॉक है, फिर बीच वाला जो पार्ट है ये सॉफ्ट रॉक है, फिर नीचे का जो जेड है ये हार्ड रॉक है। तो आपको पता होना चाहिए जब हॉरिजॉन्टली हार्ड और सॉफ्ट रॉक का अरेंजमेंट होगा तो यहां पर एक लैंडस्केप बनेगा, टेबुलर लैंडस्केप बनेगा जिसमें लेयर हैं और वो लेयर हॉरिजॉन्टली हैं, और उसके बाद जो ये वाली लेयर है नीचे की, ये हार्ड रॉक क्या है, रजिस्टेंट रॉक है, ऊपर की हार्ड रॉक क्या है, रजिस्टेंट रॉक है। तो यहां पर क्या होगा, जो इरोजन है वो डिफरेंशियल होगा, अलग अलग रेट से होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी हार्ड रॉक को तो इरोड करेगी, बट ऊपर वाली रॉक में जब वेदरिंग हो जाएगी और वेदरिंग होके जब नीचे के पार्ट को इरोड करेगी तो इस टाइप का जो लैंडफॉर्म बनेगा उसको जोगैन बोलेंगे, याद रखना। और यहां पर क्या होगा, मैकेनिकल वेदरिंग होगी, और याद रखना एब्रेशन से होगा। एब्रेशन मतलब जब विंड मूव करेगी तो विंड के अंदर क्या होगा, सैंड के पार्टिकल होंगे, वो ब्लास्ट करेंगे इसके ऊपर और इसका इरोजनल फीचर बनाएंगे। नहीं होगी हार्ड और रॉक, आपको याद रखना। याडांग में नहीं है, वहां पर याडांग्स में तो इस तरीके से अरेंज हो गई ना, याडांग्स में तो वर्टिकली अरेंज हो गई और जोगेन में इस तरीके से अरेंज हो गई हॉरिजॉन्टली। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर आप देखोगे इस तरीके से, और आप देखना कि जो यहां पर इस तरीके से फॉर्म्ड होता है, और मैं आपको दिखाऊं ना जोगेन किस तरीके से फॉर्म्ड होता है। जो जोगेन है ना ये ऊपर से इस तरीके से फॉर्म्ड होगा, थोड़ा सा इस तरीके से, इस तरीके से। इसमें क्या होगा, जो ऊपर की हार्ड रॉक होगी ना ये इरोड नहीं होगी, नीचे की सॉफ्ट रॉक हिट कर करके इरोड हो जाएगी, बट ऊपर की जो ये हार्ड रॉक है ना ये इरोड नहीं होगी, इसको बोलते हैं जोगैन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऊपर की जो हार्ड रॉक है ये इरोड नहीं होगी, नीचे की सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाएगी, अलग अलग लेयर। फिर उसके बाद जैसे हार्ड रॉक है ये कम इरोड होगी, फिर नीचे की सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाएगी, इस तरीके से आपको फीचर देखने को मिलेगा जोगैन का, ठीक है। कितने स्टूडेंट को चीजें समझ में आ गई मुझे एक चीज बता दीजिए फटाफट। यार क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है? इसमें मैंने कुछ अलग चीजें बताई, किसी को कोई दिक्कत, डाउट है बताइए। चलो जिसको डाउट है मैं एक बार पूछ लेता हूं। यहां तक चीजें समझ में आ गई, क्रिस्टल क्लियर है? हार्ड रॉक का अरेंजमेंट अगर वर्टिकली है तो याडांग्स बनेंगे, अगर हॉरिजॉन्टली है तो जोगैन बनेंगे, याद रखना यह चीज बहुत अच्छे से। समझ में आ गया? अब मैं आगे चल के और चीजें बताऊंगा क्या क्या होती हैं। याडांग्स और जोगैन के बारे में मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताता हूं मीसा और बट क्या होते हैं। व्हाट इज मीसा एंड व्हाट इज बट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसको भी बारे में भी समझ में नहीं आता। सर बेसिकली जो मीसा है ना, ये मीसा एक स्पेनिश वर्ड है। क्या है? स्पेनिश वर्ड, और स्पेनिश का मतलब होता है टेबल। स्पेनिश में जो मीसा का मतलब होता है वो टेबल होता है, समझने की कोशिश करना। स्पेनिश में समझने की कोशिश करना, अरे भैया रजिस्टर, यार आप लोग कैसे अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ रहे हो। आपका पॉइंट है सर रजिस्टेंट रॉक अगर एब्सेंट होगी। अब मेरी एक चीज सुनना, यहां पर मेरे पास एक लैंडफॉर्म है, यहां पर ये लैंडफॉर्म है, यहां पर अरेंजमेंट है हार्ड और सॉफ्ट रॉक का, तो क्या होगा, ये हार्ड रॉक इरोड नहीं होगी, सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाएगी और उसके बाद इस तरीके का फीचर बन जाएगा जिसको याडांग बोलते हैं। अब आप बोल रहे हो सर रजिस्टेंट रॉक अगर एब्सेंट हो गई, भाई एब्सेंट हो गई तो ये पूरा एरिया है, ये पूरा सॉफ्ट रॉक का एरिया है, तो पूरा ही इरोड हो जाएगा ना, बिल्कुल फ्लैट बन जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है, ये पूरा ही इरोड हो जाएगा। क्लियर है? ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं मीसा और उसके बारे में।
हाँ तो बताया तो भैया, वेदरिंग जो होगी, वेदरिंग यहाँ पर केमिकल वेदरिंग नहीं है, यहाँ पर बायोलॉजिकल वेदरिंग नहीं है, यहाँ पर मैकेनिकल वेदरिंग है, यहाँ पर फोर्स से वेदरिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर विंड का इरोजन का रेनफॉल नहीं हो रही है, सॉल्यूशन नहीं होगी किसी भी तरीके से, कोई केमिकल वेदरिंग नहीं होगी, कोई बायोलॉजिकल वेदरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर वेदरिंग कौन सी होगी? यहाँ पर होगी आपका किस टाइप का? यहाँ पर वेदरिंग होगी आपका, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? तो ये मैंने आपको चीजें बता दी हैं, फटाफट जल्दी से बताइए, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं? कितने स्टूडेंट को कोई भी डाउट है फटाफट जल्दी से बताइए, 1 सेकंड रुकिए गाइस, जस्ट ओके फाइन। चलिए समझ में आ गया, आइए अब मैं बात करता हूं मीसा और बट क्या होता है। देखिए गाइस, स्पेनिश वर्ड है मीसा का मतलब होता है टेबल। अब मेरे सामने एक प्लेट्यू है, समझने की कोशिश करना, मेरे पास एक प्लेट्यू है, प्लेट्यू क्या है? एक ऊपर का फ्लैट टेबल लैंड। अब ये प्लेट्यू इरोड होना स्टार्ट हो गया, इसके ऊपर सैंड ब्लास्टिंग हो रही है, विंड मूव कर रही है डेजर्ट पर, इरोड कर रही है, और जो विंड है वो उसको इरोड कर रही है, तो क्या होगा? ये कर जाएगा आपका इस पार्ट को छोटा हो जाएगा, इरोड कर करके छोटा लैंडफॉर्म बनेगा, उसको बोलते हैं मीसा, और जब इरोड होके और छोटा बन जाएगा तो उसको बोलते हैं बट। बट याद रखना, इनके जो स्टीप, ये काफी स्टीप मिलेंगे, जो इनकी साइड है ना वो स्टीप मिलेंगी बिल्कुल इस तरीके से, इसको बोलते हैं मीसा और बट। अभी मैं आपको एक फिगर के थ्रू दिखा देता हूं क्या है मीसा और बट, फटाफट जल्दी से आइए यहां पर आइए, ये देख रहे हो, जब आपका कोई प्लेट्यू है वो बहुत बड़े साइज में है, अब उसका इरोजन हुआ और वो एक इस तरीके से फ्लैट लैंड बन गया, ऊपर से टॉप फ्लैट है, और जो इसकी यहां पर ये साइडेड है, ये स्टीप है, इसको बोलेंगे मीसा, ठीक है? तो याद रखना मीसा में क्या है, वेरी स्टीप साइड है, और यहां पर ऊपर का जो टॉप है वो फ्लैट है, समझ में आ गया? और विंड ने क्या किया, प्लेटू को इरोड कर करके छोटा बना दिया, उसको मीसा बोला, और उसके बाद क्या हुआ, इस मीसा का फर्दर इरोजन हुआ और क्या बन गया, बट बन गया यहां पर देखिए, और ऊपर से क्या है, ऊपर से टॉप जो है वो फ्लैट है, और यहां पर आप देख सकते हो जो मीसा है ऊपर से जो टॉप है वो आपका फ्लैट है, स्टीप साइडेड है, बट अगर उसका इरोजन होके और छोटा हो गया तो उसको बट बोलेंगे, याद रख, समझ में आ गया, क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, मीसा और बट में। क्लियर है? तो मीसा क्या है, एक स्पेनिश वर्ड है, तो ऊपर की जो टॉप लोक रॉक है ये हार्ड है, तो बेसिकली यहां पर वो इरोड होके छोटी छोटी हो गई है, नीचे की जो ये साइड है ये काफी स्टीप साइडेड है, ये चीज याद रख, क्लियर है, समझ में आ गया? तो बेसिकली जो ये सरफेस रॉक है ये इरोड हो रही है कंटिन्यूअसली, बार 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 बार, और उसके बाद इरोड होके ये आपका मीसा का फॉर्मेशन हो गया, और फर्दर इरोजन होता रहा, फर्दर इरोजन होता रहा, तो बट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? तो मीसा का एरिया रिड्यूस होके बट बनेगा, और याद रखना ऊपर का जो टॉप है वो फ्लैट रहेगा और जो साइड है वो काफी स्टीप रहेगी, ये भी याद रखना, ओके okay, आते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं इंसल बर क्या होता है, व्हाट इज इंसल बर? इस इंसल बर को मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको अभी जब मैं आगे की तरफ चीजों को डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं वेंटिफैक्ट्स और डरकेंटर क्या होते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है व्हाट इज वेंटिफैक्ट्स और डरकेंटर, कितने स्टूडेंट ने इसके बारे में सुना है फटाफट जल्दी से बताइए, वेंटिफैक्ट्स और डरकेंटर। देखिए गाइज, मेरे पास एक पत्थर है, मेरे पास एक पत्थर है, समझने की कोशिश करना, अब इस पत्थर के ऊपर क्या हुआ, समझने की कोशिश करना, अब इस पत्थर के ऊपर हमारी विंड जो है रॉक का एक छोटा सा पेबल्स टाइप में है, इसके ऊपर क्या हो रही है, विंड बार बार सैंड ब्लास्टिंग कर रही है, विंड है उसके साथ सैंड का पार्टिकल्स है, अब क्या होगा जब विंड इसका सैंड ब्लास्टिंग करेगी तो इसका जो एक पार्ट है ये वाला, तो इस तरीके से ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका इस तरीके से किस फॉर्म में आ जाएगा, एज की फॉर्म बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एज बन जाएगा, एक तरफ से क्या बन जाएगा, जैसे रॉक है तो इस तरफ से इसकी क्या बन जाएगी, एक एज बन जाएगी, यहां पर ये एज बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एज बन जाएगी, इस तरीके से,
समझने की कोशिश करना, जब बार बार इसको विंड ब्लास्टिंग करती रहेगी तो इसमें से क्या बन जाएगी, एक एज बन जाएगी। अब विंड इधर से भी इफेक्ट करेगी, विंड इधर से भी सैंड ब्लास्ट करेगी, और जब विंड तीनों तरफ से सैंड ब्लास्टिंग करेगी और इसकी एज क्रिएट हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, डरकेंटर बन जाएगा। आप देखिए ना, इधर भी एज बन गई, इधर भी एज बन गई, इधर भी एज बन गई, ये क्या बन गई, एज बन गई। तो इस तरीके के नोकीले जो पत्थर आपको दिखेंगे डेजर्ट में, उनको अगर वो एक साइड से एज बन रही है सैंड ब्लास्टिंग के द्वारा, तो उसको वेंटिफैक्ट्स बोलेंगे। और तीनों तरफ से उसके ऊपर सैंड ब्लास्टिंग हो रही है और उसके इस तरीके से नोकीली फॉर्म बन जाएगी। यहां पर अगर आप देखोगे इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपका डरकेंटर। क्या बोलेंगे, डरकेंटर। आप देख सकते हो यहां से भी एज बन गई, यहां से भी एज बन गई इस तरीके से, तो ये क्या बन गया, ये डरकेंटर बन गया। और एक साइड से एज बनती, सैंड ब्लास्टिंग सिर्फ एक तरफ से होती, तो उसको वेंटिफेक्ट्स बोलते हैं। समझ में आ गया, कितने स्टूडेंट को चीजें समझ में आ रही हैं, फटाफट जल्दी से बता दीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं कि सर मुझे समझ में आ गई हैं या नहीं, फटाफट जल्दी से बताइए। फटाफट जल्दी से, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। सो वेंटिफैक्ट्स क्या है, वेंटिफैक्ट्स आर जनरली पेबल्स फेसेस, मतलब एज्ड बाय सैंड ब्लास्टिंग, मतलब ऐसे पेबल और ऐसे पत्थर जिनका एज बन चुका है, और वो एज किसके कारण बना है, वो सैंड ब्लास्टिंग के कारण बना है। समझ में आ गया। और उसके बाद, या विंड एब्रेशन के कारण बना है, जब विंड एब्रेशन है तो वो उसके अंदर सैंड ब्लास्टिंग होगी और उसके बाद वो स्मूथन हो जाएंगे। और उसके बाद जब विंड अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, और याद रखना अलग अलग तीन डायरेक्शन से जब विंड उसके फेस को हिट करेगी तो वो तीन तरफ से एजेस बन जाएंगे, और उसको बोलते हैं डरकेंटर। उसको क्या बोलते हैं, डरकेंटर। अब बताइए कितने अच्छे से समझ में आया, किस किस को डाउट है बट में, किसी को डाउट है मीसा में, किसी को डाउट है यार्डांग्स में, और किसी को डाउट है आपका जोगेन में, और किसी को डाउट है वेंटिफैक्ट्स में और डेरकेंटर में। डायरेक्ट यूपीएससी पूछ लेगी, वन वर्ड मेंस तक में लिखे हुए आ जाते हैं, फिर घूमते फिरोगे, नहीं सर क्या हो गया। समझ में आ गया, चलो आप पढ़ लीजिए, अब नहीं दिखेंगे, अब पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब कोई फालतू में क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेगा, हो गया है काम अच्छे से। अब आइए आप टाइम के ऊपर अच्छे से बताइए, डरकेंटर क्या होता है, वेंटिफैक्ट्स क्या होता है। देखिए गाइस, वेंटिफैक्ट्स में क्या हो रहा है ना, वेंटिफैक्ट्स में जो एक एज है, मेरे पास मान के चलिए, यार क्या बताऊं मैं आपको, किसका एग्जांपल दूं, मेरे पास ये है, ठीक है, मेरे पास ये है, बार बार मेरी जो विंड है वो इस वाले फेस को हिट कर रही है, इस वाले फेस को हिट कर रही है। अब हिट करके इसको इरोड कर देगी, तो इसको नोकीलेपन में ला देगी, एक एज की शेप में ला देगी इस वाले फेस को, इस तरीके से इरोड कर करके एज की फेस में आ जाएगा। इसको बोलेंगे वेंटिफैक्ट्स, अगर एक साइड एज की फॉर्म में आ गई। अब विंड हमारी इधर से भी इसको हिट कर रही है, विंड हमारी इधर से भी हिट कर रही है, तो जब तीन साइड से एजेस बन जाए इस तरीके से, उसको बोलेंगे डरकेंटर। इस तरीके से यहां पर भी एक विंड ने यहां पर भी एज बना दी, विंड ने यहां पर भी एज बना दी, और विंड ने यहां पर भी एज बना दी, तो नौकीला टाइप में, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डरकेंटर। ओके, अब ये चीज क्लियर है, अब मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मुझे बताना। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी स्टूडेंट। डरकेंटर समझ में आ गया, वेंटिफैक्ट्स आपको समझ में आ गए, आगे बढ़े, एक बार लाइक शेयर इसी बात पे कर दीजिए। उसके बाद मैं डिफ्लेशन होलोस पढ़ाऊंगा, उसके बाद इंसलबर्ग बताऊंगा, इंसलबर्ग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना पेडिमेंट्स, और ये आपका बजाडास पढ़ाऊंगा, वो आपके जो लेक्स बनती है पलायाज, उसके बारे में पढ़ाऊंगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आइए फटाफट, डिफ्लेशन होलोस क्या होते हैं सर। डिफ्लेशन होलोस का मतलब है जब हमारी विंड मूव कर रही है, समझने की कोशिश करना, विंड लोअर्स द ग्राउंड बाय ब्लोविंग अवे द अनकॉन्सुलेटेड मेटीरियल एंड हैंस फॉर्म स्मॉल डिप्रेशन। मतलब क्या है, जब विंड इस तरीके से फॉर्म्ड ब्लो कर रही है इस तरीके से, अब विंड जब इस तरीके से ब्लो करेगी, इसमें सैंड के पार्टिकल्स भी हैं, अनकॉन्सुलेटेड मेटीरियल भी है, तो यहां पर अर्थ के इस वाले पार्ट पर भी हिट करेगी बार बार,
इसको इस तरीके से डिप्रेशन क्रिएट करेगी, फिर दोबारा इसको हिट करेगी इस तरीके से, तो यहां पर क्या करेगी, जब अर्थ का जो एरिया है डेजर्ट में उसको डिप्रेशन क्रिएट कर देगी और यहां पर होलो क्रिएट हो जाएंगे, और इसी को क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन होलो। क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन होलो। और कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा इरोजन है वो बिल्कुल, अगर मान के चलिए यहां तक मेरा, ये मेरी अभी आप समझने की कोशिश करना, ये मेरे पास रॉक है, ये मेरे पास सरफेस है, डेजर्ट के अंदर सरफेस एरिया है, ठीक है, और यहां पर हमारा वाटर लेवल है, यहां पर वाटर टेबल है, मानने की कोशिश करना यहां पर वाटर टेबल है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, सैंड ब्लास्टिंग हो रही है, यहां पर हमारा क्या हो रहा है, सैंड मूव कर रही है, समझने की कोशिश करना, ठीक है, ओके। अब सैंड ब्लास्टिंग हो रही है, यहां पर सैंड ब्लास्टिंग हुई, सैंड ब्लास्टिंग हुई यहां पर, समझने की कोशिश करना, यहां पर सैंड ब्लास्टिंग हो गई है, बार बार सैंड हिट कर रही है इस वाले एरिया को, बार बार सैंड क्या कर रही है, इस वाले एरिया को हिट कर रही है, अब हिट कर रही है तो ये वाला एरिया इरोड होगा, अब विंड दोबारा इसको सैंड ब्लास्टिंग से और डिप्रेशन क्रिएट करेगी, और डिप्रेशन क्रिएट होगा, और डिप्रेशन क्रिएट होगा, और डिप्रेशन क्रिएट होगा, और डिप्रेशन क्रिएट होगा, और ये डिप्रेशन वहां तक पहुंच जाएगा ग्राउंड वाटर तक, और ये ग्राउंड वाटर ऊपर आ जाएगा, और यहां पर इस होलो डिप्रेशन में वाटर फिलअप हो जाएगा इस वाले एरिया में, यहां पर ये वाटर इस वाले एरिया में फ्लो, और यहां पर जब वाटर डेजर्ट के अंदर इस तरीके से सरफेस पर आ जाता है उसको बोलते हैं ओएसिस, उसको क्या बोलते हैं, ओएसिस। समझ में आ गया, उसको क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, वाटर देन सीव्स अप आउट, और उसके बाद आप समझिए ना, आप मेरी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हो क्या, आप बुकिश लैंग्वेज को पढ़िए, क्या होगा जब विंड है ना ग्राउंड पर हिट करेगी तो वहां पर अनकॉन्सुलेटेड मटेरियल है वो डिप्रेशन बनाएगा स्मॉल, और उसके बाद जब डिप्रेशन होगा विंड बार बार उसको इरोड करना स्टार्ट करेगी, और वो वहां तक पहुंच जाएगी जहां तक वाटर टेबल है, अनटिल द वाटर टेबल इज रीच, जहां पर वाटर टेबल पहुंच जाए नीचे तक, और उसके बाद व्हेन द वाटर सीव्स आउट, उसके बाद जो ये वाटर है ये बाहर आके उस डिप्रेशन में फिलअप हो जाएगा, और किसका फॉर्मेशन करेगा, ओएसिस का फॉर्मेशन करेगा। आप डेजर्ट में देखा होगा बहुत बड़े बड़े डेजर्ट होते हैं, तो उन डेजर्ट में क्या होता है, ये पूरा डेजर्ट एरिया है, वहां पर बीच में इस तरीके से लेक बनी होती है, उसको बोलते हैं ओएसिस, और उसके चारों तरफ पाम के पेड़ होते हैं इस तरीके से, आपने देखा होगा, और ये पाम के पेड़ कहां पर देखने को मिलेंगे, डेजर्ट के बीच में, ओएसिस के बीच में, तो ओएसिस के पास, तो जहां पर डेजर्ट के अंदर जो पॉपुलेशन और सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा ना, तो जनरली सेटलमेंट देखने को मिलता है इस ओएसिस के पास, यहां पर लोग आपको देखे हुए यहां पर लोगों का सेटलमेंट प्रेजेंट मिलेगा आपको डेजर्ट के अंदर, कहां पर, जहां पर डिफ्लेशन होलोज है, और उस डिफ्लेशन होलोज ने क्या किया है, वहां पर इतना डिप्रेशन क्रिएट कर दिया है कि वाटर बाहर आ चुका है, वाटर सीप्स आउट, और उससे एक लेक बन चुकी है, और उस टाइप के उसको बोलते हैं ओएसिस, जो कि डेजर्ट में देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये चीजें आपको समझ में आ गया, और याद रखना ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया चीजों के साथ क्या क्या है, कैसे कैसे। तो इस तरीके से देखिए ना, वाटर यहां पर, ये नीचे का वाटर ऊपर पहुंच गया, और ये वाटर देख रहे हो आप, ये वाटर वाला एरिया आ गया, और यहां पर ओएसिस का फॉर्मेशन हो गया डिफ्लेशन के कारण। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिप्रेशन कहां पर है, तो आप सहारा डेजर्ट में जाना, सहारा डेजर्ट में कतारा डिप्रेशन है, एक कतारा डिप्रेशन, वहां पर आप बिलीव करना 122 मीटर का डिप्रेशन क्रिएट कर चुके हैं, मतलब वहां पर अगर ये एरिया है ना, तो यहां पर ये एरिया मान के चलिए एरिया है, तो यहां पर सैंड ब्लास्टिंग होके, यहां पर इस तरीके से विंड ने सैंड ब्लास्टिंग कर करके डिफ्लेशन होलोज और डिप्रेशन को ना 122 मीटर नीचे तक डिप्रेशन क्रिएट कर दिया, 122 मीटर तक, बिलीव कीजिए। ये कहां पर मिलेगा, कतारा डिप्रेशन, ये बेसिकली आपका अफ्रीका के अंदर मिलेगा, जो सहारा डेजर्ट है वहां पर, ओके। अब मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे चीजें पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको मजा आएगा, बर्चन्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सारी चीजों का। आइए अब मैं आगे आपके सामने चीजें पढ़ूंगा, यहां तक आपको सभी स्ट्रेन को समझ में आ गया। अब मैं आपको पैडी, ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, बजाडास क्या होता है, पेडिमेंट्स क्या होता है, टेम्परेरी लेक्स क्या होती हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। आइए देखिए गाइस क्या हुआ, यहां पर आपको माउंटेन दिख रहा है, ये वाला हिस्सा माउंटेन का सभी स्ट्रेन को दिख रहा होगा, सभी स्टूडेंट को दिख रहा होगा माउंटेन का एरिया। तो मान के चलिए यहां पर जो माउंटेन है ना, ये एक टाइम पर माउंटेन इस तरीके से यहां तक का एरिया था,
ये माउंटेन यहां तक बना हुआ था और ये पूरा माउंटेन का एरिया है, पूरा माउंटेन था यहां पर, ये पूरा माउंटेन था, ठीक है, पूरा माउंटेन था, समझ में आ गया, पूरा माउंटेन था। अब क्या हुआ, यहां पर सैंड ब्लास्टिंग होती रही, यहां पर सैंड ब्लास्टिंग होती रही, ठीक है, सैंड ब्लास्टिंग हो के बैक वास्टिंग होती रही, मतलब बार बार सैंड हिट करता रहा और ये माउंटेन ब्रेक होके कहाँ पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच चुका है। ये पूरा हिस्सा इतना है ना, ये क्या हो चुका है, इसकी वेदरिंग, या एक बोल सकते हो कि जो विंड है ना उसने इरोड कर दिया है इस पूरे हिस्से को, और अब ये माउंटेन हमारा यहां पर पहुंच चुका है। अब उसके जो सेडिमेंट्स हैं, जो उसकी वेदरिंग हुई है, समझने की कोशिश करना, जो इरोजन हुआ है, जो ये सराउंडिंग माउंटेन है इसका जो इरोजन हुआ है, और अब इसके स्टीप साइड वाला जो एरिया है, इसका जो स्टीप साइड वाला एरिया है वो सारा इरोडेड मटेरियल यहीं पर पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं पेडिमेंट। उसको क्या बोलते हैं, पेडिमेंट, समझने की कोशिश करना, पेडिमेंट क्या बोलते हैं, पेडिमेंट, याद रखना, यहां पर जो पेडिमेंट है ना, ये किसी तरीके से डिपोजिशन के कारण फॉर्म्ड नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से सेडिमेंट्स आके इस एरिया में डिपॉजिट हुए हैं, यहां पर सैंड ब्लास्टिंग के कारण ये पूरा जो माउंटेन था इसका ये वाला हिस्सा सब कुछ इरोड होके यहीं पर गिर चुका है, और आपका जो स्टीप एज है इसके नीचे की तरफ आपका ये एरिया बना हुआ है वो डिपोजिशन। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत अच्छे समझना, ये क्या है, इरोजनल है, बट ये कहीं से डिपोजिशन नहीं हुआ है, इरोजन किसका हुआ है, जो माउंटेन है सराउंडिंग, उस सराउंडिंग माउंटेन का जो स्क्रैप है, बचा हुआ पार्ट है, वहां पर ये यहां पे डिपोजिट है, उसको बोलते हैं पेडिमेंट, उसको बोलते हैं पेडिमेंट। और एक आता है इंसलबर्ग, यहां पर इंसलबर्ग, अब ये माउंटेन का इरोजन हो रहा है, बट इस माउंटेन के इरोजन के होने के बावजूद कुछ पार्ट ऐसा है जो इरोड नहीं हुआ है, और ये एक आइसोलेटेड रॉक है या आइसोलेटेड माउंटेन है जो आपको दिखेगा, कहां पर, उस पेडिमेंट वाले एरिया में जहां पर और पार्ट इरोड हो गया है बट ये वाला पार्ट इरोड नहीं हुआ है, इसको बोलेंगे इंसलबर्ग, इसको बोलेंगे इंसलबर्ग, समझना। दोबारा इंसलबर्ग के ऊपर आता हूं, पीछे की तरफ आप देखेगा तो आपको बहुत, ये एग्जाम्पल है इंसलबर्ग का, यहां पर देखिए ये इंसलबर्ग है। तो अगर आप चीजों को नोटिस करोगे बहुत अच्छे से, यहां पर ये माउंटेन दिख रहा है आपको पीछे, तो इसके आगे भी ये पूरे माउंटेन थे इस तरीके से, बट ये जो माउंटेन का पूरा पार्ट है ये इरोड हो चुके हैं, यहाँ का पार्ट, और इरोड होके वो सेडिमेंट यहीं पर है इस जगह, और ये बोले जाएंगे पेडिमेंट, बट ये वाला पार्ट इरोड नहीं हुआ है इस तरीके से, और इसको बोला जाएगा इंसलबर्ग, और ऊपर से ये आपको थोड़ा राउंडेड देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंसलबर्ग, ये चीज याद रखना। अब आइए पढ़ लीजिए, दे आर बेसिकली आइसोलेटेड रेजिडुअल हिल, रेजिडुअल का मतलब है जो इरोड हो चुकी हैं, जैसे अरावली आर द रेजिडुअल माउंटेन, क्यों, क्योंकि एक टाइम पर हाई थे बट इरोड हो के कम हो चुके हैं, सो दे आर बेसिकली आइसोलेटेड, ये आपको यहां पर ये माउंटेन है इसके अलग आइसोलेटेड इस तरीके से दिखते हुए मिलेंगे, राइजिंग एब्रप्टली फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से उठे हुए आपको ये माउंटेन्स टाइप में दिखेंगे, आइसोलेटेड हिल दिखेगी, और उस आइसोलेटेड हिल को इंसलबर्ग बोलते हैं, वेरी स्टीप स्लोप रेदर देन राउंडेड एंड रेदर राउंडेड टॉप, स्टीप स्लोप और ऊपर से राउंडेड टॉप आपको देखने को मिलेगा, ये किसका मिला, ये ग्रेनाइट का मिलेगा देखने को, ओके। और बताया जाता है कि जो ओरिजिनल प्लेट्यू था, बताया जाता है कि जो ओरिजिनल प्लेट्यू था वो इरोड हो चुका है, और इरोड होने के बाद आपका इस तरीके से ये वाला पार्ट आपको देखते हुए यहां पर मिल जाएगा। सो जो माउंटेन और प्लेट्यू है उसका ये वाला जो बेस है, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये पूरा माउंटेन है इस तरीके से, सैंड ब्लास्टिंग इरोड होके यहां तक पहुंच गया, तो यहां तक पहुंच गया, जो चीजें इरोड हुई होंगी उसका पार्ट यहीं पर रह गया सब कुछ इस तरीके से, इसको बोलेंगे पेडिमेंट, और इसमें जो पार्ट एक आइसोलेटेड हिल इस तरीके से इरोड नहीं हुई उसको बोलेंगे इंसलबर्ग, और याद रखना ये किसका बना हुआ है, ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। कितने स्टूडेंट को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और कितनों को नहीं समझ में आई मुझे एक चीज बता दीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जितनों को भी समझ में आ गई वेल एंड गुड, और जितनों को नहीं आई वो मुझे बता दीजिए, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। समझ में आ गया।
किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हाँ मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है हार्ड रॉक से बनी है, ठीक है बिल्कुल हो सकता है। अब मैंने आपको बताता हूं, यहां पर आइए, अभी तक तो मैंने इसके बारे में बताया, यहां पर इंसलबर्ग समझ में आ गया, यहां पर ये पेडिमेंट समझ में आ गया। और याद रखना पेडिमेंट्स क्या चीज है, बहुत अच्छे से समझना, ये इरोजनल प्लेन है, जो यहां पर ये माउंटेन था, प्लेटू था, ये इरोड हुआ है, जो सराउंडिंग एरिया का स्क्रैपमेंट है, जो इरोडेड पार्ट है, वो यहां पर प्रेजेंट है, याद रखना, क्लियर है। और कहां पर देखने को मिलेगा, एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स, एट द फुट ऑफ द प्लेट्यूज, किसी माउंटेन और फुट पर जो बचा हुआ डेब्रिस है, वो यहां पर जो बना है उसको पेडिमेंट बोलते हैं। अब क्या होगा, अब इस पेडिमेंट का जो बड़ा बड़ा पार्ट है, बोल्डर्स है, पेबल्स है, वो यहां से इरोड होके इसके फुट पर आके यहां पर डिपोजिट हो जाएगा, इस तरीके से यहां पर डिपोजिट हो जाएंगे वो पार्ट, समझने की कोशिश करना। जैसे एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट होती है ना, सेम इसी का पार्ट अब नीचे आके इस पेडिमेंट से नीचे आके डिपॉजिट होंगे। और यहां पर जो ऊपर वाला एरिया है, यहां पर तो आपको थोड़े लार्ज साइज के पेबल्स मिलेंगे, जो रॉक्स हैं वो थोड़ी बड़ी साइज की मिलेंगी, और नीचे आते आते ये छोटी हो जाएंगी ये। और यहां पर ये किसके कारण बन रहे हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका डिपोजिशनल फीचर है, समझने की कोशिश करना, जो ऊपर का मेटेरियल है वो यहां पर आकर डिपोजिशन हुआ है, और इसको बोलेंगे बजाडा। इसको क्या बोलेंगे, बजाडा। आज तक समझ में नहीं आया होगा बजाडा क्या होता है, तो बजाडा क्या है, बजाडा माउंटेन है, डेजर्ट एरिया में, उसमें जो सैंड ब्लास्टिंग के कारण वो इरोड हुआ है, तो वहां पर पेडिमेंट्स हैं, और वो पेडिमेंट्स क्या है, इरोजनल प्लेन्स हैं एक तरीके से, जो किसके कारण हुई है, जो सराउंडिंग एरिया में स्क्रैपमेंट हुआ है, टूटा हुआ जो पार्ट है, जो आपकी इरोडेड माउंटेन है, उसके फुट के आके यहां पर डिपोजिट है ये, क्लियर है। और उसके बाद जब डिपोजिशन होके यहां का जो पार्ट है वो इसके फुट पर आके यहां पर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गया है नीचे की तरफ, ठीक है। और यहां पर आपका बड़े पार्टिकल्स हैं, और यहां पर छोटे छोटे, जैसे एल्यूवियल फैन में होता है, बट इट इज नॉट अ एल्यूवियल फैन, और यहां पर आकर जो डिपोजिट हुए हैं उसको बोलते हैं बजाडा। और याद रखना जो पिडमेंट है, ये पिडमेंट और बजाडा, इन दोनों को मिला के बोला जाता है पिडमोंट। क्या बोला जाता है, पिडमोंट, समझ में आ गया, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, पिडमोंट बोला जाता है, ये चीज याद रखना। समझ में आया, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए पिडमोंट में, किसी भी तरीके से फटाफट जल्दी से, पिडमोंट के बारे में समझ में आ गया, पेडिमेंट के बारे में समझ में आ गया। तो याद रखना पेडिमेंट कहां पर है, आप बहुत अच्छे से देखिए, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, यहां पर सैंड ब्लास्टिंग हो रही है, तो आप देख रहे हो ये माउंटेन इरोड हो रहे हैं, समझने की कोशिश करना। ये पूरा प्लेट्यू, अब बहुत अच्छे से समझ रहा, बहुत अच्छे से, ये पूरा प्लेट्यू है, ये प्लेटू इरोड होके ऊपर का जो टॉप है वो फ्लैट है, बट ये साइज में छोटा हो गया है, तो क्या बन गया, मीसा बन गया है। अब मीसा इरोड होके और छोटा बन गया है, तो क्या बन गया, बट बन गया है, ठीक है। अब इसके पीछे और सैंड ब्लास्टिंग हो रही है, तो वो जो यहां तक का पार्ट था इसका, यहां तक ये पूरा माउंटेन था, जो ये इरोड हो चुका है, अब उसका जो इरोजनल है वो सब यहीं पर डिपोजिट हो चुका है इसके फुटहिल्स पर, उसको बोलेंगे पेडिमेंट, उसको बोलेंगे पेडिमेंट। अब पेडिमेंट के बाद यहां पर ये आगे की तरफ आएगा, इधर की तरफ, वो उसको बोलेंगे बजाडा। और जब ये बजाडा और पेडिमेंट दोनों को मिला दूंगा मैं, यहां से यहां तक का, इसको हम बोलेंगे आपका पिडमोंट। इसको क्या बोलेंगे, पिडमोंट। है तो डेब्रिस, बट एक डेब्रिस क्या है, एक डेब्रिस इरोड होके वहीं पर है, और एक डेब्रिस डिपोजिशन के कारण बनी है। ये वाली जो डेब्रिस है ना, ये वाली डेब्रिस, इसको सैंड ब्लास्टिंग के कारण इरोड होके यहीं पर है, और इसको बोलते हैं पेडिमेंट। और ये पेडिमेंट का जो पार्ट है, ये डिपोजिशन हुआ है, यहां से इरोड होके यहां पर आकर डिपोजिशन हुआ है, और जिससे बना है बजाडा। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा पिडमोंट। और याद रखना ये आपका जो पिडमेंट है, पेडिमेंट है, और जो बजाडा है, इसमें पेडिमेंट और बजाडा में डिफरेंस ये है, ये इरोजनल है और ये उसी एरिया पर है, और बजाडा क्या है, डिपोजिशन होने के बाद बना है, जो यहां का पार्ट इरोड है उसको जब स्लोप पे जाके, फुटहिल्स पर नीचे जाके वो डिपोजिशन हुआ है, तो उसको बजाडा बोलेंगे। अब बताइए कितनों को समझ में आया, क्लियर। Any one of you have any doubt? आगे बढ़ेंगे।
हाँ, स्टीम से भी डिपॉजिट हो सकता है, किसी भी तरीके से डिपॉजिट हो सकता है। अब आप बोलोगे सर स्टीम से कैसे डिपॉजिट होगा, राजस्थान गए हो, राजस्थान में लूनी रिवर के बारे में सुना है? लूनी रिवर, लूनी रिवर क्या है? ड्राई एरिया में तो उसमें वाटर नहीं रहता, बट जब मानसून रेनफॉल होती है तो वो स्टीम फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो सेम ड्राई एरिया में, डेजर्ट में नहीं होगा, बट जहां पर थोड़ी बहुत रेनफॉल होगी तो जो स्टीम है डेजर्ट के अंदर वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगी। और यही रीजन होता है कि पलायास का फॉर्मेशन भी होता है। तो जब ये आप ऊपर से समझने की कोशिश करना, जब ये ऊपर से स्ट्रीम आती है तो यहां पर डिप्रेशन क्रिएट होता है और उस डिप्रेशन में वाटर फिलअप होता है, वाटर फिलअप हो जाता है। और वाटर फिलअप होने के बाद जो लेक बनती है उसको बोलते हैं पलायाज लेक। क्या बोलते हैं? पलायाज लेक। यहां पर देखिए यह है पलाया लेक। तो जो स्ट्रीम आ रही है, स्ट्रीम क्या कर रही है? अपने साथ वाटर लेके आ रही है, और वाटर लेके आ रही है तो क्या होगा, वहां पर डिपोजिशन होगा। तो याद रखना जो पयालाज, ये आपकी जो प्लायाज है ना, ये क्या होती है, ये जब रेनफॉल नहीं होगी, ड्राई टाइम होगा तो वाटर एवोपरेट हो जाएगा। वाटर एवोपरेट होने के बाद ये पलायाज जो लेक है ना, ये भी ड्राई हो जाती हैं, और इसके अंदर आपको सॉल्ट दिखेगा। यहां पर क्या दिखेंगे? सॉल्ट। तो याद रखना जो पलायाज है ना, इनको सेलीन लेक बोलते हैं, सेलीन लेक। ठीक है, सेलीन लेक बोलते हैं, याद रखना। समझ में? कहां पर बनेगी? एरिड और सेमी एरिड एरिया में। किस तरीके से? जो डिप्रेशन है उसमें जब वाटर फिलअप हो जाएगा। और याद रखना हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कंटेन करेंगी, और हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कंटेन करेंगी लेक में। जब ड्राई सीजन होगा एवोपरेशन ज्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन कम होगी, वाटर एवोपरेट कर जाएगा। वाटर एवोपरेट कर जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा? सॉल्ट बचेगा। तो पलाया लेक में क्या बचेगा? सॉल्ट कंटेंट बचेगा। समझ में आया? पलाया समझ में आ गए, पेडिमेंट समझ में आ गए, बजाड़ा समझ में आ गया, पिडमोंट समझ में आ गया, डिफ्लेशन होलो समझ में आ गए, वेंटिफैक्ट समझ में आ गए, डरकेंटर इंसलबर्ग समझ में आ गए, उसी के साथ साथ मीसा एंड बट समझ में आ गए, उसके साथ जोगेन एंड याडांग समझ में आ गए, रॉक पेडेस्टल एंड मशरूम रॉक समझ में आ गए। नाउ वी आर मूविंग आगे की तरफ। लोएसिस के बारे में बात करेंगे, शेफ के बारे में बात करेंगे, बर्चन्स के बारे में बात करेंगे, ड्यून्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज सैंड ड्यून्स, व्हाट इज क्या? अभी तक हम ज्यादातर जितने भी पढ़ रहे थे ये इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ रहे थे, या थोड़े बहुत हमने डिपोजिशनल भी पढ़े हैं, बट अब हम पढ़ेंगे आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, कि कौन कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, किस किस तरीके से बनते हैं, याद रखना। समझ में आ गया? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके सामने आएगा ड्यून्स क्या होती हैं। सर ड्यून्स आपने देखी हैं? ये ड्यून्स क्या है? ड्यून्स बेसिकली आपका जो डेजर्ट है ना, जब डेजर्ट में विंड चलती है, विंड चलती है तो विंड इस डायरेक्शन में चल रही है इस तरीके से, तो ये विंड क्या करेगी, उस डेजर्ट को एक जगह डाके डिपॉजिट कर देगी। तो वहां पर जब सैंड डिपॉजिट हो जाएगा डेजर्ट के अंदर, तो वहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड के कारण इस तरीके से माउंटेन टाइप में बन जाएंगे, और इसी को बोलते हैं सैंड ड्यून्स। समझ में आ गया? और याद रखना ये सैंड ड्यून्स क्या है, एक्टिव सैंड ड्यून्स है, मतलब विंड इसको फिर आगे की तरफ लेके जाएगी। तो ये एक जगह बनने के बाद एक जगह नहीं रुकेंगे, विंड अभी और आगे की तरफ मूव करेगी और इन सैंड ड्यून्स को आगे लेके जाएगी, और कॉन्स्टेंटली ये जो सैंड ड्यून्स है ये आगे की तरफ मूव करते रहेंगे। सो दीज आर नॉट फिक्स सैंड ड्यून्स, ये फिक्स नहीं है, ये बेसिकली आपका मूव करती रहेंगी इस तरीके से आगे की साइड, जैसे जैसे विंड मूव करती रहेंगी। अब ये जो सैंड ड्यून्स है, इसमें दो टाइप की सैंड ड्यून्स होती हैं, एक होती है बर्चन, एक होती है बर्चन, और एक होती है सेफ शेफ। ये दो टाइप की सैंड ड्यून्स होती हैं। सैंड ड्यून्स कुछ नहीं है, याद रखना कि जब हमारी विंड मूव करती है तो वो सैंड को एक्यूमुलेट करती है एक जगह पर ले जाने के बाद, और एक्यूमुलेट करने के बाद जो सैंड है वो एक माउंटेन की, वो विंड के मूवमेंट के अकॉर्डिंग एक शेप ले लेता है, और उसी को बोलते हैं सैंड ड्यून्स। आप अगर कभी भी जाओगे डेजर्ट एरिया में तो आप देखोगे। अब आप बोलोगे सर ये सैंड ड्यून्स कितने टाइप की होती है? मैंने आपको बताया सैंड ड्यून्स आर टू टाइप्स, उसमें एक बर्चन है और एक सेफ्स है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं, फटाफट जल्दी से आइए। देखिए जो आपकी यहां पर आइए, बर्चन्स कहां गया यार, ये आ गया बर्चन्स। देखिए बर्चन क्या होता है, बर्चन याद रखना एक क्रिशेंट शेप में होता है, क्रिशेंट शेप। क्रिशेंट मतलब जैसे मून की शेप होती है ना, ये मून है, ये मून की शेप क्या, ये क्रिशेंट शेप है। तो इस शेप में आपकी
जब सैंड ड्यून्स डिपॉजिट हो जाए, जो सैंड ड्यून्स हैं वो डिपॉजिट हो जाए क्रिशेंट शेप में, समझने की कोशिश करना। और वो कब डिपॉजिट होंगी, जब जो विंड की डायरेक्शन है वो इस तरीके से चलेगी। याद रखना जहां पर ये क्रिशेंट शेप की सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड होंगी, समझने की कोशिश करना, जहां पर ये क्रिशेंट शेप की सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड होंगी विंड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, इस तरीके से। यहां पर गाइज अब भी स्टक कर रहा है, एक बार मुझे बताइए। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल, एक बार मुझे फटाफट जल्दी से बताइए, अब भी वीडियो स्टक कर रहा है? वीडियो स्टक हो गई है, हेलो। गाइज अब देखिए, अब भी वीडियो स्टक है क्या? एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइज, एक मिनट दीजिए, आई ट्राई टू रिजॉल्व। वीडियो इज टोटली फ्रीज्ड। ओके ओके ओके, नाउ आर
हेलो। हेलो गाइस, अभी नहीं आ रही है। और क्या इश्यू हो गया? जस्ट गिव मी वन मोर मिनट। कैमरे का ये एक बार मुझे बताइए, अब कुछ बेटर हुआ है? नाउ फाइन। ऑडिबल? ठीक है, अभी बर्चन को देख लेते हैं एक बार, फिर हम देखते हैं चीजों के साथ कि बर्चन कैसे होगा, कैसे होगा, किस किस तरीके से होगा। आइए जल्दी। ठीक है, आइए चलिए। देखिए गाइस क्या होगा, मान के चलिए यहां पर मेरे पास कोई आपका या तो कोई ट्री है, समझने की कोशिश करना, या तो कोई ऑब्स्टेकल है, या यहाँ पर कोई ग्रास है, पैचेस ऑफ ग्रास है। अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, पैचेस ऑफ ग्रास है। अब इस पैचेस ऑफ ग्रास में इधर से विंड ने मूव करना स्टार्ट किया, तो विंड अपने साथ सैंड लेके जाएगी, और विंड है ना, इस सैंड को एक क्रिसेंट शेप में डिपोजिट कर देगी, इस तरीके से, क्रिसेंट शेप में, इस तरीके से। ठीक है, और जब ये क्रिसेंट शेप में डिपोजिट होगा, इस तरीके से, क्रिसेंट शेप है, इस तरीके से, यहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो यहां पर आप विंड इस तरीके से डिपॉजिट, और यहां पर स्टीप स्लोप क्रिएट हो जाएगा, और इसको बोलते हैं बर्चन्स। समझ में आ गया? तो बेसिकली जो विंडवर्ड साइड है, ये वाली विंडवर्ड साइड है, यहां पर कॉन्वेक्स होगा, और इधर की तरफ आपको एक कॉनकेव टाइप टाइप में दिखेगा। तो विंडवर्ड साइड जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है उस टाइम पर तो आपको कॉनकेव दिखेगा, और जहां पर अपोजिट है वहां पर कॉनकेव स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ठीक है, क्रिसेंट शेप में जो आपकी सैंड ड्यून्स है वो डिपॉजिट हो जाएंगी, सैंड जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। और याद रखना, जो सैंड है विंड की तरफ मूव तो कर रहा है, बट अगर आप उधर से देखोगे तो इधर से कॉनकेव शेप में, केव की शेप में क्रिसेंट शेप आपको बनती हुई दिखेगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई? ये चीज आपको समझ में। कभी कभी ये सैंडूस प्रॉब्लम क्या करती है, बर्चन्स प्रॉब्लम क्या करती है, ये बर्चन्स प्रॉब्लम करती है गाइस, जो हमारे ट्रीज होते हैं ना, जो हमारे आपके डेजर्ट एरिया में थोड़ी बहुत जो वेजिटेशन होती है उसको अपने साथ उखाड़ के ले जाती है, उसको अपने साथ उखाड़ के ले जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो ये बर्चन्स के बारे में। फिर उसके बाद मैंने आपको दूसरा बताया था शेफ्स। शेफ्स क्या होती है? शेप्स में क्या होता है गाइज, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शेप्स को समझने की कोशिश करना। जब आपका विंड, यहां पर मेरे पास ये डेजर्ट है, और विंड हमारी लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से मूव कर रही हो, तो यहां पर सेडिमेंट का डिपोजिशन इस वाले पार्ट पर हो जाएगा, इसके बीच के पार्ट में सैंड का डिपोजिशन नहीं होगा, तो इस तरीके से सैंड डिपोजिशन हो जाएगा लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में, और इसको बोलेंगे शेप्स। दैट मीन्स आपके जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बन जाएंगी, पहले ड्यून्स कैसे, यहां पर ये विंड है, ये विंड है, तो विंड की इस शेप पे जो क्रिसेंट शेप में बन रही थी, यहां पर कॉन्वेक्स और यहां पर कॉनकेव, और ये विंड की डायरेक्शन इस तरीके से, तो यहां पर ये बनी बर्चन्स। और जो आपकी शेप है, यहां पर ये शेप्स क्या बनेंगी, लॉन्गिट्यूडनल वैली, मतलब जब विंड इस तरीके से मूव कर रही है तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल ये सैंड का डिपोजिशन हो जाएगा, और बीच का जो पार्ट है, यहां से विंड क्या कर जाएगी, उस सैंड को ब्लो करके ले जाएगी अपने साथ, इसको बोलते हैं शेप। समझ में आ गए? शेप और आपको
इसमें क्या होगा, लॉन्ग नैरो रिज टाइप में बन जाएंगी पैरेलल। एक यहां पर सैंड है, इसके बीच में कुछ नहीं है, फिर आपका सैंड है, तो ये सैंड ड्यून्स क्या बनेंगी, लॉन्गिट्यूडनल बन जाएंगी इस तरीके से। ये चीज याद रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, जिस डायरेक्शन में प्रिवेलिंग विंड्स मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में ये सैंड ड्यून्स बन जाएंगी, उनको बोलते हैं शेप्स। ठीक है, बर्चन्स के बारे में मैंने आपको बताई दिया, ठीक है, किस तरीके से बर्चन फॉर्म होता है। क्रिसेंट शेप इस तरीके से होता है जैसे मून की शेप होती है, मून की शेप देखिए आपने, मून इस तरीके से शेप होती है ना मून की, ये मून की जो हाफ मून होता है इस तरीके से, इसको क्रिसेंट शेप बोलते हैं, इस वाली शेप को क्या बोलते हैं, क्रिसेंट शेप। ठीक है, और उस शेप में बन जाती है। अरे भाई टोटल एक तरीके से, अब एक चीज बताइए, अब आपको विंड है समझने की कोशिश करना, अब यहां पर मैंने कुछ चीज रख दी है यहां पर, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, मैंने यहां पर ये पेजेस रख दिया इस तरीके से, और ये पेजेस अलग अलग पीसेस पीसेस में रख दिया, तो यहां पर विंड आएगी, तो विंड क्या करेगी, बीच से चली जाएगी, आधे पार्ट को लेके चली जाएगी, और कुछ पार्ट को क्या कर देगी, साइड में इस तरीके से कर देगी। अब यहां पर विंड मूव कर रही है तो कुछ पार्ट को तो इरोड करके या सैंड ब्लास्टिंग के साथ अपने साथ प्रेशर के साथ आगे लेके चली जाएगी, कुछ चीज को साइड में कर देगी, तो यहां पर जो साइड है यहां पर सैंड ड्यून्स बन जाएंगी और बीच में आपकी विंड फ्लो कर जाएगी, और उसमें क्या होगा, साइड में इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर है। अब बात करते हैं लोएस के बारे में, व्हाट इज लोएस, लोएसिस क्या होता है, लोएस जो हम बोलते हैं, ये आ जाइए, लोएस क्या होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले लोएस के बारे में बात करते हैं, लोएसिस आपने सुना होगा, लोएसिस क्या होता है, देखिए गाइस क्या होता है, जो फाइन डस्ट है ना, मेरे पास यहां पर ये डेजर्ट है, ये डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है, यहां पर डेजर्ट है, अब यहां से डेजर्ट से विंड ने ब्लो करना स्टार्ट किया और अपने साथ सैंड के पार्टिकल लेके जा रही है, अब वो सैंड के पार्टिकल यहां पर आकर डिपॉजिट करना स्टार्ट किया, सैंड के पार्टिकल यहां पर आकर डिपॉजिट करना स्टार्ट किया, और ये चीजें 500 हजारों साल तक चलती रही, इस तरीके से डिपोजिशन होता रहा, और जब वो डिपोजिशन जाके यहां पर फॉर्म करेगा उनको बोलेंगे लोएसिस। ये देख रहे हो ये जो बन रहे हैं, ये आपके जो लोएसिस है ना, ये सैंड के डिपोजिशन के कारण ही तो बने हैं। जो सैंड आ रहा है, आप बिलीव करोगे सैंड है ना 3,000 किलोमीटर तक ट्रेवल करता है। सहारा डेजर्ट सुना है, सहारा डेजर्ट का जो सैंड है वो रेड सैंड स्पेन और इटली में जाके ब्लड रेनफॉल करते हैं, आपको पता होगा, और वो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से जाते हैं, मॉइस्चर उठाते हैं, इटली और आपका स्पेन में जाके रेनफॉल होती है इतनी दूर तक, तो कहां से हो रही है, ये जो सैंड है वो मूव कर रहा है। सेम उसी तरीके से जब विंड मूव करती है तो उस जगह पर जाकर सैंड को डिपोजिट करेगी बहुत दूर तक, और जो डिपोजिशन होके तो उसको लोएसिस बोलेंगे। तो याद रखना, द फाइन डस्ट ब्लो बियॉन्ड द डेजर्ट लिमिट, डेजर्ट की लिमिट से बियॉन्ड वो आपका ब्लो करेंगे, एंड इज डिपोजिट ऑन द नेबरिंग लैंड, उस नेबरिंग लैंड पर डेजर्ट से दूर जाके उसको डिपोजिट कर देंगे, और इस तरीके से लैंडफॉर्म बनाएंगे जिनको बोलेंगे लोएस। क्या बोलेंगे, लोएस बोलेंगे। एंड इट इज अ येलो एंड फ्रेबल सॉफ्टली क्रम्बल मेटीरियल रिच इन लाइम एंड वेरी कोहरेंट Extremely porous and usually very fertile. ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। So this is all about loess. This is all about the desert landform. ये मैंने आपको बता दी है कैसे कैसे। बजाड़ा मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पेडिमेंट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको एक एक करके डेजर्ट लैंडफॉर्म में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। चीजें समझ में आ गई हो तो फटाफट जल्दी से मुझे बता दीजिए यहां तक आप लोगों को। फटाफट जल्दी से बता दीजिए गाइस, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, सबको चीजें समझ में आ गई हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। फटाफट जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है गाइस, एवरीथिंग इज क्लियर। लोएस फिर से बता दूं, वाटर ने तो ऐसा कुछ बनाया नहीं ना, अगर डेजर्ट ने वाटर लैंडफॉर्म बनाएगा तो उसको रिल इरोजन आपने सुना होगा, बेडलैंड टॉपोग्राफी, गली इरोजन। मान के चलिए डेजर्ट है, बहुत हाई टेम्परेचर है, क्या हो गया,
कन्वेक्शन रेनफॉल हो गई, और जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है एकदम डेजर्ट में, तो जो डेजर्ट में क्या होता है, वो वाटर इरोड कर देता है उस टॉपोग्राफी को, और इरोड करने के कारण गली की फॉर्म में इरोड करता है, उसको बोलते हैं गली इरोजन। और बैडलैंड टॉपोग्राफी वो बेसिकली वाटर के कारण होता है, या तो कोई स्ट्रीम या रिवर उसमें से फ्लो करे, या एकदम जो वाटर है वो उस एरिया को इरोड कर दे, तो उसको बैडलैंड टॉपोग्राफी बोलते हैं और गली इरोजन बोलते हैं, वाटर के कारण फॉर्म्ड होता है। सर कोल्ड डेजर्ट में ऐसा कुछ फॉर्म नहीं होता, कोल्ड डेजर्ट में भी होता है बट उस लेवल पर नहीं होता जो डेजर्ट में होता है हॉट डेजर्ट में, बिकॉज यहाँ पर हॉट एंड ड्राई कंडीशन है, हॉट एंड ड्राई कंडीशन ज्यादा फेवरेबल है कंपेयर टू कोल्ड डेजर्ट के कंपेयर में। कोल्ड डेजर्ट में भी ये फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप जाओगे, स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपका जो गोबी डेजर्ट है वहां पर देखने को मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स जो आपके कोल्ड डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेफ सेंड्यूज बता दीजिए, सेफ सेंड्यूज क्या होता है? सेफ सेंड्यूज, अरे भैया देखो सिंपल सा पॉइंट है, सेफ सेंड्यूज का मतलब है जब सेंड्यूज लॉन्गिट्यूडनल बनेंगी, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेंड्यूज बनेंगी, यहां पर सेंड्यूज है बीच वाले पार्ट से विंड इरोड, ये मेरे पास एरिया है यहां पर विंड इरोड कर रही है, तो इस वाले पार्ट से तो चली जाएगी और इसका जो पार्ट है उसको साइड में डिपॉजिट करते चली जाएगी, तो सैंड यहां पर डिपॉजिट हो जाएगी, यहां पर सैंड ड्यूज बन गई, यहां पर सैंड ड्यूज बन गई, यहां पर सैंड ड्यूज, और विंड इसके बीच में से ब्लो करेगी, तो ये लॉन्गिट्यूडनल जो आपकी सैंड ड्यूज बनेंगी उनको सेफ बोलते हैं। इस तरीके से यहां पर ये सैंड ड्यूज है, यहां पर, यहां पर, और विंड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ये बोलते हैं सेफ। समझ में आ गया? लोएसिस क्या होते हैं? लोएसिस में क्या होता है, मान के चलिए मेरे पास यहां का एरिया है, यहां पर मेरे पास एरिया है, समझना एक बहुत अच्छे से, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, इस पीछे के फिगर पे आ जाओ, ये कुछ मत समझिए यहां पर ये डेजर्ट है, कुछ मत समझिए, ये समझिए यहां पर ये पूरा डेजर्ट एरिया है, ये पूरा डेजर्ट है, और ये अभी कुछ भी फॉर्म्ड नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है यहां पर, इसको बिल्कुल भूल जाइए, ये पूरा डेजर्ट एरिया है, और यहां से लैंड एरिया स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से लैंड एरिया, अब यहां से विंड अपने साथ ब्लो करना स्टार्ट कर रही है, विंड अपने साथ जब ब्लो करेगी तो सेडिमेंट्स को लेके जाएगी, और सैंड को लेके जाएगी, फाइनर पार्टिकल्स को लेके जाएगी, उन फाइनर पार्टिकल्स को जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं यहां पर आकर थोड़ा सा डिपॉजिट करेगी इस तरीके से, फिर उसके बाद और फाइनर पार्टिकल्स आएंगे उसको यहां पर आकर डिपॉजिट करेगी, फिर और फाइनर पार्टिकल्स आएंगे उनको यहां पर आकर डिपॉजिट करेगी, फिर और फाइनर पार्टिकल्स आएंगे यहां पर आकर डिपॉजिट करेगी, और फाइनर पार्टिकल्स आएंगे उनको यहां पर आकर डिपॉजिट करेगी, और इस तरीके से जो लैंडफॉर्म बन जाएगा पूरा, इसको बोलेंगे लोएस, इसको बोलेंगे लोएस। और यहां पर याद रखना जो ये लोएस बना है वो इसी तरीके से बना है कि जो विंड है उसने यहां पर आकर लैंड एरिया के पास आके डेजर्ट से बाहर आके उस सैंड को डिपॉजिट किया है, और ये सैंड ही तो है जो पहले इस तरीके से डिपॉजिट हुआ, फिर और लेयर आके सैंड की डिपॉजिट हो गई, फिर और इस तरीके से लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन कर दिया जिसको लोएस बोलते हैं। समझ में आ गया? नाउ ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया इस सेशन के ऊपर और बहुत डिटेल में। एक क्लास टाइटैनिक पे ले लूं? अच्छा, और कुछ? क्या बात करते हो यार, टाइटैनिक का आपसे क्या लिंक है? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, जितने भी स्टूडेंट हैं 100 के अप्रोक्स स्टूडेंट देख रहे हैं, एक बार फटाफट सभी स्टूडेंट लाइक और शेयर कर दिए, जिसने भी नहीं किया सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन। बहुत ही अच्छे से मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं, अब सिर्फ दो लैंडफॉर्म बचते हैं, सिर्फ दो लैंडफॉर्म, मैंने वो आपका फ्लूवियल लैंडफॉर्म पढ़ा दिए, फ्लूवियल लैंडफॉर्म जो लैंडफॉर्म रिवर बनाती है, जिसमें डेल्टा, जिसमें मैंने आपके एल्यूवियल फैन, जिसमें आपको मैंने पढ़ाया जॉर्जेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसमें वी शेप्ड वैली का, रैपिड्स का, वाटरफॉल का, वो पढ़ाया, कास्ट टॉपोग्राफी पढ़ाई उवाला, जिसके अंदर साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया उवाला के बाद बाद आपका सिंक होल कैसे होते हैं, आपका कास्ट विंडो कैसे होती है, आपकी केव्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंक होल, स्वेल होल्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें कास्ट टॉपोग्राफी। आज मैंने आपको डेजर्ट के लैंडफॉर्म पढ़ाए हैं, कल की क्लास में पढ़ाऊंगा कोस्टल लैंडफॉर्म, मजा आ जाएगा, कोस्टल लैंडफॉर्म मजा आ जाएगा, और ये दोनों टॉपिक जो कोस्टल लैंडफॉर्म और ग्लेशियर लैंडफॉर्म है वो परसों पढ़ाऊंगा, और दो दिन के अंदर पूरी कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगी, फिर मंडे से क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करूंगा, याद रखना। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने यहां पर कवर कर रहा हूं। जियोमॉर्फोलॉजी कहीं पर भी इतनी डिटेल में नहीं मिलेगी, उस लेवल पर हमने चीजें कवर की है। हमने एक एक पॉइंट के साथ, फिगर के साथ, पॉइंट क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो सारी चीजें समझाने की कोशिश की है, कहां कहां पर कैसे कैसे चीजें फॉर्म्ड हुई हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से। उसी के साथ साथ अब दो तीन चीजें हैं जो सुनते हुए चाहिए सभी स्टूडेंट एक बार फटाफट। गाइज देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है 10 AM पे मेरा, आज से मैंने एक नया बैच स्टार्ट हुआ है इंडियन ज्योग्राफी का, और 50 घंटे की इंडियन ज्योग्राफी है, 50 घंटे की, बिलीव कीजिएगा आज से स्टार्ट कर रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको मेंस प्रीलिम्स के लिए एक अलग लेवल पर, ठीक है, उस लेवल पर आपको 10 AM पर इंडियन ज्योग्राफी की प्लस कोर्स की आपका स्टार्ट हो रहा है। जो हमारा 12 PM पे जो हमारा सेशन होता था संकल्प मेंटरशिप प्रोग्राम वाला फ्री, वो अब आपसे 12:30 पर होगा, 12:30 PM पर रेगुलर होगा। तो रोज डेली स्टूडेंट जिनको मेंटरशिप चाहिए, जिनको एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, बहुत क्वालिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ बहुत डिटेल में, अनअकैडमी की ऐप पर आपको फ्री में है बिल्कुल। ये कोड यूज करना है कैपिटल AM10, 12:30 PM पर फ्री में आप क्लास में एंटर कर जाओगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, ठीक है। उसी के साथ साथ 9 PM पर कल मैं यहां पर पढ़ाऊंगा आपको कोस्टल लैंडफॉर्म, कोस्टल लैंडफॉर्म। और गाइस एक चीज और याद रखना, आने वाली 20 जुलाई 20 जुलाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सर ऐसा क्या होने वाला है, याद रखना, मैं एक सिंगल टॉपिक 15 मिनट के अंदर, बोलते हैं ना घंटों का काम मिनटों में, वो एक सीरीज आने वाली है जिसके अंदर आई एम गोइंग टू कवर एंटायर टॉपिक विद इन 15 मिनट, बहुत शॉर्ट में, बहुत ही अच्छे माइंड मैप्स के साथ, जिसकी PDF जो भी पेज होगा वो आपको एक पेज और माइंड मैप के थ्रू YouTube पे लेके आ रहा हूं मैं। पहले मैं PDF की, अब मैं YouTube पे लेके आ रहा हूं 20, इस आने वाली 20 जुलाई से आपको वो लेक्चर्स मॉर्निंग में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मॉर्निंग में 9 AM सुबह 9 बजे वो आपको लेक्चर्स डेली मिलेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर अनअकैडमी लेट्स क्रैक UPSC पर रोज डेली, ठीक है, 9 बजे। और ये बिल्कुल बहुत ही क्वालिटी होने वाली है 20 तारीख से, जिसके अंदर हमारी एक 15 मिनट्स के अंदर हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पूरे चैप्टर को फटाफट, मतलब क्विक ऐसे रिवीजन होगा ऐसे, और उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो हमारे टॉपिक सही, और जिसको एक बार रिवाइज करना है फटाफट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सीरीज याद रखना। 15 मिनट्स के अंदर पूरा टॉपिक खत्म, पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से, और उसके नोट्स भी वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल है unacademy_anirudhmalik। सर आप सिर्फ बोल रहे हो, मैंने आज तक कोई ऐसी चीज है जो बोली हो और करी ना हो, मैं तो खोल के अपनी क्लास में बोलता हूँ यार, आज तक कोई ऐसी चीज है जो मैंने बोली हो और करी ना हो, या तो मैं बोलता ही नहीं हूँ या करता ही नहीं हूँ। मैंने आपसे जो जो चीजें बोली होंगी वो पक्का आपके साथ हुई होंगी। मैंने बोला मेरे से बहुत सारी चीजें बोल रही है टीम, सर ये कर लीजिए ये कर लीजिए ये अच्छा रहेगा, मैंने कहा मेरा प्रॉमिस है स्टूडेंट के साथ, मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, उस कोर्स को जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा बीच में कोई और सेशन छोड़ के नहीं ले सकता, मेरी अलग अलग जगह पर है, मेरी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, बट पहले जो मैंने प्रॉमिस किया उसको फुलफिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिए आप नोट्स नहीं दिए, अरे मिलेंगे यार टेलीग्राम पे 110% मिलेंगे, जो मैं 15 मिनट्स की सीरीज लेके आऊंगा उसके पक्का मिलेंगे, ठीक है। unacademy_anirudhmalik टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सब चीजें मिलेंगी unacademy_anirudhmalik, ठीक है, unacademy_anirudhmalik। 9 AM पर सेशन होगा, 9 AM पर 20 से स्टार्ट हो जाएगा, 10 AM प्लस कोर्स है इंडियन ज्योग्राफी का, 12 PM कितने सेशन होंगे याद रखना, 12 PM नहीं अब 12:30 PM संकल्प फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ज्योग्राफी MCQ AM10 फ्री कोड के साथ 9 PM यहां पर मिलेंगे। और उसके बाद मंडे के बाद हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, क्लाइमेटोलॉजी बहुत डिटेल के साथ स्टार्ट होगी अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल यहीं पर, उसको मिस मत करना, ठीक है। ये सारी चीजें हो चुकी है हमारी, और उसी के साथ साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, उसी के साथ साथ जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर 50% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, 50% का, सिर्फ आपको AM10 कोड यूज करना है, इस कोड को यूज करते ही आपका 75,000 का
कोर्स 48,000 का हो जाएगा। और कोई भी डाउट है उस पर आप जाइए, कॉल कीजिए मुझे, और अगर आप लोन के थ्रू किसी भी तरीके से लेना है, आई हेल्प यू आउट, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अनअकैडमी पर आपको हर पॉइंट के साथ मिल जाएंगी, सिर्फ आपको ये AM10 कोड यूज करना है, इस कोड के साथ आपको हर चीजें मिलने वाली है, मेंटरशिप गाइड सब कुछ आपको, ठीक है। एक चीज और उसी के साथ साथ अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, वो भी आपको हेल्प मिलेगी। और यार चीजों को समझा करो, देखो मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, पढ़ना जरूरी है पर स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है उसमें डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी वो पढ़ना बहुत जरूरी है, यह समझना बहुत जरूरी है, और किस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए इस एग्जाम को लेके, जो समुंदर सा सिलेबस है उसको कैसे नदी में लाके उसकी धारा के साथ उस स्ट्रीम के साथ हमें कैसे आगे फ्लो करके जाना है, ये है असली यूपीएससी। यूपीएससी हमें समुंदर से अपनी एक अलग नदी निकालनी है और उस नदी में हमें लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ आगे फ्लो करना है, उस समुंदर की या अगर लेक की तरह एक जगह नहीं रुकना, समुंदर तो फिर भी मूव कर रहा है बट लेक नहीं बनना, उस जगह रुक के हमें उसमें से अपनी नदी निकाल के अपने आप को आगे फ्लो करना है, अपने कंटेंट को अच्छे से समझना है, उसको अपडेट करके पढ़ना है, पेपर की डिमांड को पढ़ना है, कंसेप्चुअल और स्टैटिक पार्ट दोनों को कवर करना है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू चीजों को ले सकते हो, ये कोड है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये आप जरूर डिसाइड कीजिएगा कि मेंटरशिप गाइडेंस आपको किस तरीके से कहां पर मिल रही है, ठीक है, ये कोड आपको हेल्प करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी डाउट है सब्सक्रिप्शन किसी अनअकैडमी अंडरस्कोर अनुरोध मलिक, कल का सेशन मिस मत कीजिएगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, 12:30 पर सेशन है। बाय, टेक केयर गाइज, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। किसी भी तरीके से कोई इशू होता है मेंशन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दो चैप्टर बचते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, कोस्टल लैंडफॉर्म कल होगा, ग्लेशिएशन या ग्लेशियल लैंडफॉर्म वो परसों होगा, फिर सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लाइक शेयर करते रहिएगा, टाटा सी।